मुझे लेने आया है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो जाने आया हूँ। कहाँ जा रहा तू? मैं वो अबे काम का वक्त आया और तू जा रहा है? अरे नहीं भाई नहीं, सीता के मंगनी का सारा इंतजाम कर दिया हमने, मुझे नौकरी मिली है, मुझे जाने, मुझे कल रिपोर्ट करना भाई। मुझे नौकरी मिल किस लोग के पट्टे? गीता माँ, कैसी है तू? माँ जी प्रणाम। अरे पंचम जा रहा है। भाई पंचम देख के। माँ देखो भैया मेरे लिए कितनी अच्छी चीजें लेके आए हैं। लड़की के पिता दौलतपुर के रहने वाले हैं, आज शाम को आ रहे हैं शगुन के लिए। लड़का भी आ रहा है? अरे वो कैसे आएगा, काले कोसों दूर बंबई में काम करता है, 2000 रुपए तनख्वाह है। किशन भैया ने देखा सुना है, कहने लगी आंखें मूंद के ब्याह दो। सुना गीता, माँ तेरा ब्याह आंखें मूंद के कर रही, पता है क्यों? बहुत बदसूरत है वो। तुरुए? तो फिर आंखें मूंद के ब्याह क्यों कर रही हो? निर्मला बहन तू आ गया सुमेर बेटे। प्रणाम मामा। जीते रहो बेटे जीते रहो। अब आप ही बताइए इस लड़के के बारे में। हाँ बताइए। देखो बेटे सगा मामा ना सही, लेकिन गीता को मैंने हमेशा सगी बेटी की तरह समझा। जहाँ की बात पक्की की है उससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता। मामा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या कह रहे? क्यों? तुमने देखा लड़के को? अरे देखना क्या है, उससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। सुमेर साफ साफ कहो किसने बुराई की उसकी? इन दीवारों ने। दीवारों ने? अब आप ही बताइए मामा, जो लड़का हमारी इस टुनिया को घर से उड़ाकर ले जाए उसे मैं अच्छा कैसे कहूँ? सारा घर सुना कर देगा वो सुपर तुश। ओहो, तेरे मजाक से तुम्हारी गाड़ी ले ली थी। अरे मैं तो डर ही गई थी। पंडित जी आपको यहाँ पे लगन का मुहूर्त निकालने के लिए लाया गया है, इनको देखने के लिए नहीं। पंचांग देखिए। क्षमा कीजिए श्रीमान जी, आपकी सूरत कुछ जानी पहचानी सी लगती है। आज से 18 वर्ष पहले आप हिरनिया गांव आया जाया करते थे? जी हाँ। ठाकुर रणबीर सिंह जी के यहाँ? जी जी, उनकी पत्नी इसी गांव की है, मेरी मुंह बोली बहन है। किशन भैया लगन का कौन सा दिन तय पाया? महाराजा आप इनकी बेटी को बहू बनाने जा रहे हैं? हाँ क्या बात है? अजी ये महाचरित्रहीन महिला है, किशनलाल जी से इनका टांका है। हाँ ये बच्ची इन्हीं से पैदा हुई है। ये क्या कह रहे हो पंडित? महाराजा झूठ बोलूं तो मुंह पर थूक देना। एक सती दो पति। जो महासती पहचाना मुझे? मैं उसी हिरनिया गांव का रहने वाला हूँ जहाँ पर 18 वर्ष पहले आपने मुंह काला किया था। जी हाँ, इन्हीं किशनलाल ने निर्मला देवी को रखा हुआ था। ये पाप की गठरी गीता रणबीर सिंह जी की नहीं किशनलाल जी की संतान है। किशनलाल जी आपने हमारे साथ छल कपट किया है, आपका और लड़की की माँ का क्या संबंध? ठाकुर साहब हम भी ठाकुर हैं, मान मर्यादा मत भूलिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी भूल जाऊं कि आप हमारे मेहमान हैं। असलियत मालूम होती तो मैं यहाँ पे कदम भी ना रखता। चलो ठाकुर साहब खूब जाइए। ठाकुर साहब मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, हमारी इज्जत मत खेलिए। पंडित जी ने जो कुछ कहा है झूठ कहा है। सारा झिरनिया जानता है महाराजा कि ठाकुर रणबीर सिंह अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर शहर चले गए थे नौकरी करने के लिए। पति और पत्नी के बिछड़ने के 18 महीने बाद वहां सती गर्भवती हुई और इन्होंने कन्या रक्त को जन्म दिया। इसी के बारे में और बकवास की तो मैं अपनी जबान खींचूंगा। अपनी जबान खींचोगे माते समेत दुनिया की हर जबान यही कहेगी कि तुम्हारी बहन हराम की औलाद है। मिस्टर जमेर
आप किशनलाल जी के जमानत पर रिहा किए जाते हैं, लेकिन इतना याद रहे तारीख पढ़ने पर आप कोर्ट में हाजिर रहें, वरना आपके नाम गिरफ्तारी का वारंट निकलेगा। मुझे मालूम है, अब मैं जा सकता हूँ? जा सकते हैं। किशनलाल जी, आप दस्तखत कीजिए। सबूत मांग रही हूं, उस मां से जिसने अपना सारा जीवन हमारे लिए अर्पण कर दिया, हमें इतना प्यार दिया कि हमें बाप तक की कमी महसूस न होने दी। अगर ऐसी मां पे तुम्हें विश्वास नहीं तो भगवान पे विश्वास क्यों है? कहो उससे भी कि तुम्हें सबूत दे, तब भगवान मानोगी उसे। तुम हमारे लिए भगवान से कम नहीं हो मां। मुझे माफ कर दो मां। आज तुम पर कीचड़ उछालने वाले, जब तक तुमसे माफी न मांग ले मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगा। बस इतना बता दो, झनिया में वो गलत फहमी फैली कैसे? बेटे, झनिया गांव वाले सिर्फ इतना जानते थे कि तुम्हारे पिता आखिरी बार गांव से कब गए। बस महीने बाद वो लौटे भी थे, लेकिन ये गांव वाले ना जानते। अड़ोस पड़ोस वाले भी नहीं माँ? कोई भी नहीं। अमावस की रात की सारा गांव सो चुका था जब वो आए, और दिन निकलने से पहले ही चले गए। काफी परेशान थे, कहा शायद मैं कुछ महीने तुमसे मिलने ना आ सकूं। खर्च के लिए मुझे 30,000 रुपए दिए। 30,000 रुपए? हाँ तुम, और चाहते वक्त मुझसे वचन लिया कि मैं किसी से भी ना कहूं कि वह गांव आई थी। ऐसा वचन क्यों लिया? वहां भी जाने क्यों? उनके आने के बाद मैंने गांव वालों से कुछ महीने तो छुपाए, लेकिन मां बनने वाली थी कब तक छुपाती। पति को दिया हुआ वचन पाथे का कलंक बन गया। उसे मिटाने के लिए मैं पति की खोज में शहर गई। मैं आपसे पूछता हूं कि अग्नि देने से पहले इन्हें गांव से क्यों नहीं बुलाया गया? अरे साहब, कैसे बुलाता? जब रणवीर सिंह नौकरी करने मेरे घर में आया तो उसने किसी गांव का पता नहीं दिया था, बल्कि शहर में अपने उस दोस्त का पता दिया था जिसका नाम विक्टर है, और ये वही विक्टर है जो आपके पति का कातिल। मैं इसकी सौगन खाकर कहती हूँ, इसके पिता 30 तारीख को गांव आए थे। फिर कैसे मान लिया जाए कि उसी दिन उनका कत्ल हो चुका था?
इसलिए कि लाश मैंने शिनाख्त की और उनके साथी रामलाल ने शिनाख्त की। अब बेहतर है कि आप ही शिनाख्त कर लें। इंस्पेक्टर साहब, वो सारी चीजें निकालिए जो हमें लाश से मिली। पहचानिए, ये पर्स, ये चेन, ये घड़ी, ये सब आपके पति की है ना? ये सब सामान उन्हीं का है। मिसेस सिंह, ये सारी चीजों की लाश पे थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कल 16 अगस्त को हुआ था। हे भगवान, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में कुछ कुछ आने लगा है। देवी जी, आपका एक बच्चा तो छोटा है और मैं समझता हूँ कि दूसरा। अब तो आपको यकीन आया कि मेरे पति गांव आए थे? देवी जी, बच्चा देने के लिए सिर्फ पति ही की जरूरत नहीं होती। बड़े साहब, समान सवाल का बात कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप समझ गए होंगे कि दाल में काला किस तरफ है। मिस्टर, मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? किशन लाल। किशन कन्हैया, बेहतर है कि अब आप गांव लौट जाएं। और देवी जी, आप हमें माफ कर दीजिए, हम आपको सती सावित्री होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। शहर वालों ने भी मुझे कलंकित ठहराया। छेदनिया लौटी तो सबकी नजरों में उल्टा। किशन भैया के सुझाने पर मैं छेदनिया छोड़कर इस गांव में चली आई ताकि मेरे बच्चे इज्जत से पल सके। आज वो इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। Yes. या तो डॉक्टर ने गलती की है या तो उसे गलत रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत दी गई है। लेकिन किस लिए भैया, रिश्वत कौन देगा? शायद होटल का वो मालिक। मुझे तो शक है माँ, पिताजी ने हेरा फेरी के धंधे में फंसकर अपनी जान गवाई। वो ऐसे वैसे नहीं थे बेटे, होटल में अच्छी नौकरी थी उनकी और तनख्वाह थी 400 रुपए, तुम्ही ने बताया था। जरा सोचो माँ, तुम्हें देने के लिए 30,000 रुपए कहाँ से आए? हेरा फेरी के धंधे में रुपया बहुत मिलता है तो जान का खतरा भी होता है। अच्छा ये बताओ, पिताजी का दोस्त विक्टर, जिसपे कत्ल का इल्जाम है, क्या काम करता था? मालूम नहीं बेटा, एक बार तुम्हारे पिताजी के साथ गांव आया था, मैं भी ज्यादा पूछताछ नहीं की। अब तो ये सारी छानबीन तेरा बेटा करेगा। मैं साबित करके रहूंगा कि पिताजी का कत्ल, जैसे कि तुमने बताया, 20 अगस्त के बाद हुआ था। तू परेशान मत हो माँ, सारे गाँव से तुझे मान मिलेगा। इसी घर बारात आएगी और मेरी बहन दुल्हन बनेगी। मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ माँ, जब तक ये झूठा कलंक तेरे माथे से नहीं मिटता, मैं दम नहीं लूंगा। May I help you, sir? I beg your pardon. What do you mean? Your best suite is not available for me. आपका best suite हमें नहीं मिल सकता, तो फिर किसे मिल सकता है? जानते हो हम कौन हैं? हम हैं प्रिंस सपुत्र सिंह ऑफ चंदनपुर। सॉरी प्रिंस, उसमें महाराजा भूनाम ठहरे हुए। हमारा 2 नंबर का सीट भी एकदम लाजवाब है, हम वो आपको दे सकते हैं। Well, हमें सीट दो जी। फिर हमारा सलाम होटल के मालिक को दो जी। उनसे कह दो जी कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। अमां, तुम सेक्रेटरी हो या हजाम हो, 3 दिन हो गए तुम महाराजा भूनाम से मेरा अपॉइंटमेंट नहीं ले सके। मैंने भी कैसे कैसे आदमी जमा कर रखे हैं। सर, प्रिंसिपल चंदनपुर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। मेरा उनसे मिलना इसलिए जरूरी है कि मैं नहीं चाहता कि महाराजा भुनाम अपनी सल्तनत में मेरे अलावा किसी और को 5-स्टार होटल बनाने की इजाजत दे, समझे? It's great honor for us to have you in our hotel. Thank you. This way, please. Hey, Sumer! तू यहाँ क्या कर रहा है? मटका लगा या लॉटरी? Shut up! कौन है ये idiot? अबे, मुझे ही नहीं पहचाना। क्या चक्कर है बे? I said shut up. अगर ये बदतमीज हमारी रियासत में होता तो इसका मुंह काला करके गधे पे इसका जुलूस निकाला जाता। अबे, तेरी रियासत में तो गधा भी नसीब नहीं था। अरे हम लोग तो 3 मील पैदल चल के स्कूल जाते थे। चाचा बकवास बंद कर, ये चंदनपुर के राजकुमार है। ये राजकुमार, आपने भाई तो नहीं पी ली? चाचा पीते हो क्या? जी जी नहीं, कभी नहीं। तो फिर इन्हें संभालो, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में रखो, 15 लाख के हैं। 15 लाख? हाँ, और इस चुकंदर को होटल से बाहर फेंक दो। जी।
दया प्रिंस, पिटी, रहम करो। आपकी शक्ल बिल्कुल मेरे दोस्त से मिलती, इसलिए गलतफहमी हो गई। आप मुझे नौकरी से मत निकलवाइए, भले आप मेरे सर को 100 जूते मार दीजिए प्लीज। 100 जूते नहीं लाया, समझे जी? जो दो पहने हूँ जी उन्हें निकालो, तब माफ करूंगा जी। पहुंचा, निकालो। ये लो। थैंक यू सर। प्रिंस, ये पर्स तो मेरे। जूते निकालो, चलो अंदर। अरे खोलो, असली है आज के टुकड़े। अरे यार, इस होटल का मालिक बहुत बड़ा आदमी है, उससे मेलजोल बढ़ाने के लिए मुझे भी प्रिंस का ढोंग रचाना पड़ रहा है। वह रायदादा महाराजा भूनाम के साथ मेलजोल बढ़ाने के फिराक में, और महाराजा उन्हें घास तक नहीं डाल रहे। मगर तू उनके साथ मेलजोल क्यों बढ़ाना? पिताजी की मौत का राज हासिल करने के लिए। अच्छा सुन, ये भूनाम नरेश का मिलेंगे? वो तो बोट क्लब जाएंगे मच्छी पकड़ने। गुंडे नहीं रही, लुटे हो, शानदार गाड़ी भी है। अबे कहाँ फंस गया है? तेरी तो निकल, निकल, अबे भाग गया, निकल, निकल भाई। अरे हाँ तो फर्क नहीं तो गोली मार दूंगा। ओह, तो पूरी खाकी पलटन है एक अबला को उठाने के लिए। ये बदमाश उसके साथ ही हमारी गाड़ी लेके भागना चाहते थे। मेरा साथी? अरे मैं तो समझा हूँ तुम्हारा साथ। आतूफर देखो, उसने एक लड़की की इज्जत पे हाथ डाला था, मैं तो सिर्फ उसे पकड़कर पुलिस में देना चाहता था। शरीफ आदमी हो जी, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? अजी यही कहीं आसपास है, महाराजा भूनाम, उनसे जाके पूछ लीजिए कि हम कितनी ऊंची नस्ल के आदमी। रियली? अजी बाप दादाओं के जमाने से मुझे मिलते ही गले लगा लेंगे। यानी कि हमसे बगलगीर होने की आपकी बहुत बड़ी तमन्ना है? आपसे? आप? आप ही? जी। महाराजा भूनाम। नन्ने भैया, कहाँ जा रहे हो? हट, नन्ने भैया है, नन्ने भैया, नन्ने भैया, गले मिलिए नन्ने भैया, गले मिलिए। आपका जिक्र मेरे पिता महाराज कुमार चंदनपुर कई बार किया करते थे। आप पुरानी रिश्तेदारी है हमारी। रिश्तेदार? मैंने तो चंदनपुर का नाम तक नहीं सुना आज तक। जी जी कैसे सुनते, आपके पैदा होने से पहले राज का क्रियाकर्म कर चुके थे वो खाड़ी वाले। शुक्र है आपका राजपाट इंडिया में नहीं था, वरना आज पाट ही पाट रह जाता। आपका ख्याल है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? ख्याल ही नहीं, यकीन है। तो फिर अपने किसी भी प्यादे को रायदादा होटल भिजवा कर पूछवा लीजिए कि मैं प्रिंस ऑफ चंदनपुर हूँ या नहीं। गुड बाय। मैं आपसे कुछ लेने नहीं देने आया था।
लंच या डिनर की दावत। मैं आपका रिश्तेदार हूं, कोई प्रजा नहीं। पिछली चार पुरुषों का रिश्ता है हमारा, लेकिन आप कैसे जानेंगे? मेरी एक परनानी आपके दादा की माँ की आखिरी माँ थी। हाँ, कुछ समझ में आया? हाँ, यानी कि आपके परदादा की तीसरी पत्नी नन्हे भैया। तीसरी पत्नी नन्हे? अरे फिर तो आपकी दावत कबूल करनी पड़ेगी मुन्ने भैया। फिर गले मिल जाओ। अरे वो आ गया, छुप जाओ छुप जाओ। तुम अभी तक यहीं जमी हो, भागी नहीं? खूबसूरत मंजर है ना, यहाँ गाना अच्छा जमेगा। गाना? रोने का मकाम है बोरम, यहाँ कुछ देर पहले तुम पर बलात्कार हुआ था। तो क्या हुआ, कुछ देर बाद फिर होगा और तब बचाने वाले भी तुम होंगे। तुम पागल तो नहीं हो? बस देखते जाओ, इश्क में पागल ही बनना है। इश्क? तुम दिल फेंक हो। यहाँ तो कोई निकला जनाब के लिए, यहाँ तो कोई लुट गया जनाब के लिए, और आप रहते यूँ नजर बचा के चल दिए। भले नहीं ये बेरुख, बुरा है ये गुरूर, जवान हो के बचपना न कीजिए हुजूर। कच्ची कली गुलाब की, कच्ची कली गुलाब की, कच्ची कली गुलाब की, ऐसे न तोड़िए तोड़िए, ऐसे न तोड़िए। यूं मेरा हाथ थाम के मुझको न छोड़िए, मुझको न छोड़िए। कच्ची कली गुलाब की, ऐसे न तोड़िए, यूं मेरा हाथ थाम के मुझको न छोड़िए, यूं मेरा हाथ थाम के मुझको न छोड़िए।
दरअसल हम सब स्टेज आर्टिस्ट हैं। हीरा जी पब्लिक के लिए नहीं, अपने शौक के लिए पिक्चर बना रहे हैं। ओ, 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 ये क्या? नाम होगा घर का भेदी। जासूसी कहानियों का बड़ा शौक है मुझे। शौक है? तो फिर शौक पूरा कीजिए, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चले, देखिए हमारा हीरो बड़ा कमजोर है। और आपने क्या धनाधन पंजे मारे थे यार, हीरो का रोल तो आप ही करेंगे। देखिए मैं कोई किराए का टट्टू नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचता रहूंगा। प्रिंस ऑफ चंदनपुर हूँ। प्रिंस? जी हाँ प्रिंस। भागा हमने ऑफर दे दी है, इसे सोचिएगा जरूर। कम इन। यस गुड मॉर्निंग प्रिंस। कौन है आप? रायजादा हियर। मेरे मैनेजर ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहता था कल शाम, आज नहीं। ओह आई एम सो सॉरी, कल शाम मैं बहुत बिजी था। और फिर वैसे भी आप बिल्कुल परेशान ना हो, पार्टी का मैंने इतना लाजवाब इंतजाम किया है कि एक दफा महाराजा भोनाम भी याद रखेंगे, और फिर सुपरविजन के लिए मैं खुद वहां हाजिर रहूंगा। रायजादा साहब मैंने दावत आपको तो नहीं दी। लेकिन दावत आपने मेरे होटल में दी है, और फिर आप जैसे वीआईपीज की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। फर्ज की आड़ में जो उल्लू सीधा करना चाहते हैं वो बताइए। बात दरअसल ये है, मैं महाराजा भोनाम से मिलना चाहता था। ओ जी हाँ, तीन दिन से मेरा सेक्रेटरी उनसे अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कमाल है आपने तो एक ही मुलाकात में उनसे पार्टी भी तय कर ली। काश मेरा सेक्रेटरी भी आपकी तरह स्मार्ट होता। मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट, आप प्रिंस सपुत्र सिंह और चंदनपुर को अपना सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं? प्लीज मुझे गलत ना समझिए, मैं तो आपकी जहानत और इन्फ्लुएंस की दाद दे रहा था। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर देंगे। पिताजी ने जो आखिरी शेर मारा उसका साइज 10 फुट का था। शैंपेन चलेगी? हाँ मुन्ने भैया जरूर चलेगी शैंपेन। चीयर्स। चीयर्स। लगता है आप दोनों की रिश्तेदारी है। अब कल ही बने। कल? जी हाँ, कल इन्होंने अपनी एक परनानी हमारे एक परदादा के साथ ब्याह दी, बड़ी खूबसूरत। जी महाराज मजाक कर रहे हैं, दरअसल ये ब्याह पिछली सदी में हुआ था जिसका इल्म महाराज को कल हुआ, इसीलिए तो महाराज ने मेरी दावत कबूल की। जी हाँ क्यों ना करता, और फिर ऐसे रिश्तेदार तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो बड़े अदब से बड़ी तहजीब से झुककर। और मैं लपक के मिला। लेट्स ड्रिंक टू दैट, लेट्स ड्रिंक टू आवर रिश्तेदारी। चीयर्स। You are a rock. रोग? प्रेम का रोग, नन्हे भैया ने मुझे प्यार से कहा, प्यार से। Oh, after all it is रिश्तेदारी। Let's drink to that. नन्हे भैया, कल रात हमने भूदान फोन किया था राज पुरोहित को। अच्छा किस लिए? किस लिए? ये जानने के लिए कि पिछली 2 सदियों में हमारे राजघराने की शादियां कहाँ हुई, किससे हुई, वो सब जानते हैं। आपके राज पुरोहित इतने ज्ञानी हैं जो मैं? लेकिन आपका ज्ञान किधर गया, राजघराने की प्राइवेट बात चल रही है, आम लोगों को दूर रहना चाहिए। ओह आई एम सॉरी। सुनिए सुनिए सुनिए, नानी की शादी में इन्हें भी शरीक होने दो। मेरी नानी मरी हुई है भैया। जाहिर है जाहिर है। रायजादा जरा पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस को? किस लिए योर मैजेस्टी? वो क्या है, महाराज की गाड़ी तक कुछ गुंडे पहुंच गए थे, पुलिस का बंदोबस्त ठीक नहीं था। जाइए जाइए। मैं अभी इंतजाम करता हूँ।
ड्राइवर साहब, आप हमारी गाड़ी में मौजूद थे? देखिए, आप मुझे थोड़ा सबक दीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। सुना है 16 अगस्त को उनका कत्ल हुआ था? जी नहीं, मेरा हुआ था। अरे चाचा, बिगड़ते क्यों? बस इतनी सी बात और बता दीजिए, वो गुंडा विक्टर जिसने उनका कत्ल किया था, आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया? जाके पुलिस से पूछो। मेरा भेजा मत खाओ, मुझे काम करना है। भागो यहाँ से, भागो, जाओ यहाँ से। रामलाल जी, क्या है? शायद पहचाना नहीं मुझे। तुम? आप यहाँ? रायजादा साहब से एक जरूरी काम था, इसलिए खुद ही आना पड़ा। आप उनके ऑफिस में जाके बैठिए, मैं उन्हें खबर कर देता हूँ। जाइए, प्लीज जाइए। थैंक यू। 20 साल के बाद आया हूँ। रायजादा साहब का ऑफिस तो वही है ना? जी हाँ, वही है। हेलो, उठिए मिस्टर रायजादा, प्लीज। मैंने जो कुछ किया अपनी माँ और बहन के लिए किया, अब आपके जी में जो आए वो कीजिए। अरे, प्रिंस साहब चंदनपुर चले गए? मुन्ना किसी जरूरी काम के लिए गया है। ओह, आपके बारे में सब कुछ बता दिया उसने मुझे, अब मुन्ना कुछ भी कहे मैं करने के लिए तैयार। आई थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। आप मेरी फिल्म के बारे में सोच रहे हैं? काम करेंगे ना? तुम पागल हो? सर, 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 योर आया इस तरफ चलने के लिए। सर, दिस इज ट्रंक कॉल, सर, टेलीफोन कॉल प्लीज। किसका कॉल? यस सर, वेरी अर्जेंट कॉल सर। यू आर नट्स। नमस्ते भाई साहब। तुम पागल तो नहीं हुए जो यहाँ चले आए? अगर किसी ने पहचान लिया तुम खुद भी जेल जाओगे, मुझे भी साथ ले जाओगे? भाई साहब, दुनिया मुझे अब सेठ गिरधारी लाल के नाम से जानती है। 20 साल पहले क्या था अब कौन पहचानेगा? मूरब कत्ल इसी शहर में हुआ था। अभी तक लोग पूछते हैं कि रणबीर सिंह का कातिल पकड़ा क्यों नहीं गया। अगर किसी ने देख लिया तो सीधा पुलिस तक पहुंच जाएगा। भाई साहब, मैं इतना मजबूर हो गया था कि मुझे आना ही पड़ा। होटल के रेनोवेशन के लिए मैंने 50 लाख रुपया कर्ज लिया था और अब मियाद पूरी हो चली। अगर रुपया जल्दी वापस न किया तो मेरा होटल नीलाम हो जाएगा। इतनी मेहरबानी कीजिए, आप मुझे 25 लाख रुपए दे दीजिए, बाकी 25 लाख का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। 20 बरस पहले मैं 10 लाख रुपए दे चुका हूँ, आप क्या मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं भाई साहब? पिछले 20 साल में मैंने आपसे एक पाई भी नहीं मांगी और फिर ये रुपया तो मैं कर्ज मांग रहा हूँ, 1.5-2 साल में आपको वापस दे दूंगा। आप तो अपनी आंखों से देखा है कि मुंबई में मेरे होटल का बिजनेस फैंटास्टिक चल रहा है। एक शर्त पर कर्ज दे सकता हूँ। फरमाइए। कत्ल का वो सबूत मुझे वापस कर दो। Why are you insisting on it? उस कत्ल के लिए पुलिस को विक्टर की तलाश, और जब तक मैं गिरधारी लाल बना हुआ हूँ पुलिस कत्ल की तह तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं पूछता हूँ कि तुम वो कागज अपने पास रखने पर क्यों तुले हुए हो? भाई साहब, इस बात का जवाब मैं आपको कई बार दे चुका हूँ, वो कागज आपको फंसाने के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए रख छोड़ा। कौन है अंदर? मेहरबानी करके आप यहां से चले जाइए। लेकिन इसका क्या सबूत है कि विक्टर ही गिरधारी लाल है? सुना नहीं तुमने? उसने खुद कहा था कि जब तक वो गिरधारी लाल बना है पुलिस विक्टर को नहीं पकड़ सकती। 20 साल पहले रायजादा ने 10 लाख रुपए आखिर किस बात के दिए थे? ओहो, तो फिर तो साबित हो गया कि तुझे अनाथ बनाने में रायजादा और विक्टर उर्फ गिरधारी लाल की चुगलबंदी है। सर, आप ब्रेकफास्ट यही लेंगे या रेस्टोरेंट? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर, आपका बिल। गुड मॉर्निंग प्रिंस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। महाराजा भुनाम से मिलाकर आपने मुझ पर जो एहसान किया है, समझ में नहीं आता कि उसकी कीमत मैं कैसे चुका सकूंगा। एहसान का अकाउंट तो लंबा चौड़ा होता है, फिलहाल ये बिल चुका दीजिए। बिल? कैसा बिल?
आपके होटल में रहने खाने पीने का बिल। अपना बिल मैं खुद अपने आप से वसूल करूं? जी हाँ, इसलिए कि मैं कड़का हूं। हाँ, आप जो रकम चुकाएंगे मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। आपकी तनख्वाह? आप शायद मजाक कर रहे हैं। आपने कहा था ना कि आपको मुझ जैसा एक स्मार्ट सेक्रेटरी चाहिए, लेकिन तनख्वाह अच्छी देनी होगी आपको। समझ में नहीं आता, प्रिंस सुपुत्र सिंह ऑफ चंदनपुर। प्रिंस फालतू है, चंदनपुर फालतू है, सपुत्र हूं सिर्फ अपनी माँ का। ओ, प्रिंस बनकर किसको फरेब देने आए थे? आप तक पहुंचने के लिए सर फरेब एक शॉर्टकट था, वरना महीनों आपसे नहीं मिल पाता। वेरी स्मार्ट, वेरी वेरी स्मार्ट। मिनटों में महाराजा बनाम से मुलाकात भी हो गई। वो तो अपने बाएं हाथ का खेल था सर। ये लड़का अपने बहुत काम आ सकता है। अगर किसी तरह किदाई लाल का होटल बदनाम हो जाए तो उसके बिकने की नौबत आ सकती है और वो इकरारनामे का सौदा करने पर मजबूर हो जाएगा। एक खास काम के लिए मुझे तुम जैसे चलते पुर्जे की जरूरत है, तुम आज ही बंबई चले जाओ। ओ नो सर, मैं तो आपके जेरे साया, आपके करीब रहकर आपसे काम सीखना चाहता था। वो काम कर दो तो तुम मेरे खास आदमी बन जाओगे। यहां तुम्हारी फितनेबाजी देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम बंबई के ग्रैंड होटल में वो गुल खिला सकते हो कि होटल बदनाम हो जाए और उसके बाद फिर गिरधारी लाल को उस होटल के नाम पर एक पैसा खर्च भी ना मिल सके। गिरधारी लाल? वो उस होटल का मालिक है। वो आपका दुश्मन है? मैं वो होटल खरीदना चाहता हूँ, काम करोगे मेरा? स्वीट तो क्या, हम आपको एक डबल रूम भी नहीं दे सकते। वी गॉट ओनली सिंगल रूम। क्यों, अरब टूरिस्ट ने थावा बोल रखा है क्या? नहीं, जर्नलिस्टों ने। अखबारों के एडिटर्स का पूरा कन्वेंशन हमारे होटल में ठहरा हुआ है। अच्छा, तब तो खूब पब्लिसिटी मिलेगी जी। कुछ ना कुछ सिंगल रूम चलेगा। नाम लिखे। योर नेम सर? टी एन अरोरा, टिम्बर किंग फ्रॉम एसएम। रूम नंबर? आई एम गिविंग यू रूम 307, प्लीज साइन हियर। पेज ऑर्डर ये लो सर। क्या लाऊं आपके लिए? तुम्हारे लिए बख्शीश। हाँ बख्शीश। थैंक यू सर। ये क्या है? 50 का नोट है सर। किसने दिया? सिंह साहब ने दिया। साहब ने टिप दिए? हाँ सर, टिप दिए। कोई स्मगलर है क्या? नहीं तो। शक्ल सूरत से कैसा लगता है? शक्ल से तो भला आदमी लगता है सर। जाओ। थैंक यू। गुड इवनिंग सुपुत्र सिंह जी। मैंने कहा गुड इवनिंग सुपुत्र सिंह जी। डॉग ले लगते हो जी? होटल की वर्दी तो पहन रखी है, लेकिन गिरधारी लाल जी के आदमी नहीं हो। ठीक पहचाना, रायजादा जी का आदमी हूँ। आपकी मदद करने के लिए भी कहा गया। गुड, तब तो काम के आदमी हो। ये जहर की शीशी है। मुझे किसको जहर देना होगा क्या? फांसी हो गई तो? घबराओ नहीं, जहर मैं दूंगा अपने आप को। प्लीज डोंट डू इट, फॉर गॉड सेक डोंट डू इट। आप यहाँ खुदकुशी करने हैं क्या? नहीं, हंगामा करें। हम लोग नारे लगाते, शिकायतें करते कि छोटे अखबारों को कागज नहीं मिलता, गवर्नमेंट एजेंसी से उन्हें एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता, तो बेचारे चले तो कैसे चले। हम लोग शिकायतें तो करते, लेकिन क्या हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? क्या हमारी रिपोर्टिंग सच्ची है? क्या हमारे एडिटोरियल सही है? क्या हम अपने अखबार बेचने के लिए सनसनी खेज? खाना। बॉस खुद ही आ रहे डॉक्टर। ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, एम्बुलेंस का फौरन इंतजाम कीजिए, पेशेंट को फौरन हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन बॉस का कहना है कि इलाज यहीं होगा और आपको जो कुछ करना है यहीं कीजिए। लेकिन जिस चीज़ प्लीज, आप बरसों से होटल के डॉक्टर हैं। ओके मैनेजर, तो इनके स्टोमक वॉश का इंतजाम कीजिए। राइट डॉक्टर।
आइए सर। आप लोग अंदर नहीं जा सकते। सर, हमारा केस बेहोश होने से आप लोगों का मीटिंग डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? हुआ हुआ। क्या हुआ तो साहब? कैसे बोल सकता है सर, हमारा नौकरी चला जाएगा। क्यों? सॉरी सर, नहीं बोल सकता। मैं किसी को नहीं भूलूंगा कि तुमने हमको बताया। वादा करता हूँ। बोलो क्या हुआ सर? वो साहब को भी होटल के किचन से खाना गया था, उसमें कुछ गड़बड़ था सर। डॉक्टर बोलता है उसे फूड पॉइजनिंग हुआ। मेरे होटल में किसी को फूड पॉइजनिंग हो ही नहीं सकती। हम लोग किचन में पूरी एहतियात बरतते हैं। But I'm sorry, sir. ये फूड पॉइजनिंग का ही केस है। तो इन्होंने कहीं और जाकर अल्लम गल्लम खाया होगा। गलत। इसी होटल ने अल्लम खिलाया और गल्लम भी। आप अपने सब तुम चलों से पूछ लीजिए, जब से इस होटल में घुसा हूँ बस घुसा ही हूँ। डॉक्टर साहब, आप क्या जानवरों के डॉक्टर हैं? फूड पॉइजनिंग वाले केस को तो हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है, आपने मुझे यहाँ क्यों लंबा कर दिया? आप परेशान ना हो, आपकी देखभाल यहाँ अस्पताल से बेहतर की जाएगी। ओ, तो आप नहीं चाहते कि मैं अस्पताल जाऊँ और आपका पोल खुले? फूड पॉइजनिंग पुलिस केस होता है। मैं अभी जाता हूँ पुलिस में। सुनिए मिस्टर, सुनिए, अजी पब्लिक हेल्थ का मामला है। इंस्पेक्टर, डायरेक्टर, मिनिस्टर, जितने भी टर हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, मैं सबको खबर करता हूँ। प्लीज मिस्टर, इस हालत में आपका कहीं भी जाना मुनासिब नहीं। आराम। अजीज, काल कोठरी में कहाँ आराम? उसका इंतजाम मैं कर देता हूँ। मिस्टर तनेजा, मिस्टर अरोड़ा को आज ही बल्कि फौरन किसी अच्छे स्वीट में शिफ्ट कर दो। राइट सर, इनकी देखभाल के लिए एक नर्स का भी बंदोबस्त कर देते हैं। चटपटी देंगे, ये आपके डिनर जैसी अल्लम गल्लम। क्यों? कोई खतरे की बात नहीं। खतरा हम सबको, हमें खबर मिली है कि आपके होटल के खाने से उस शख्स को फूड पॉइजनिंग हुआ। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी ने खामखा ये अफवाह उड़ाई। बात गलत है तो हमारे प्रेसिडेंट को मरीज से मिलने दीजिए। क्या सही है वो खुद पता लगा लेंगे। देखिए, आपसे कभी मिल लीजिएगा, अभी डॉक्टर ने मिलने से मना। खन्ना, प्लीज गेट अ साइड। अब आप ही बताइए सर, इस हालत में आपको वर्ल्ड एयरवेज का कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल सकता है, जबकि फूड पॉइजनिंग खबर अखबारों में छप चुकी है। वेट ए मिनट यंग मैन, खबर नहीं शक। वो शक ही बहुत है वर्ल्ड एयरवेज के लिए, हमारी अमेरिकन कंपनी है। कुछ क्लाइंट अपनी सेहत के बारे में इतने शकी होते हैं कि वो देश का पानी तक नहीं पीते, सोडे और बियर पर गुजर करते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे होटल में उनकी सेहत को कोई खतरा नहीं हो सकता। मैं वर्ल्ड एयरवेज का रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर, प्रेसिडेंट या मालिक नहीं। I'm so sorry. वर्ल्ड एयरवेज हमारे 40 कमरे साल भर के लिए बुक करने वाले थे सर, और 10,00,000 रुपए एडवांस भी देने वाले थे। ये आलीशान होटल मैंने अपने खून पसीने से बनाया है, अगर ये मुझसे छिन गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। आई मस्ट सेव इट। अंकल। अरे टीना, तू कब आई? अभी आई। पापी नहीं दी? हाय नो। हेलो टीना। अरे मुन्नी, कभी तो आने की खबर दिया कर। अंकल, कल ही कैलन फॉर्म में पर्ल पदम से मिली थी, कह रही थी कि बॉम्बे में बड़ा धांसू ड्रामा चल रहा है, कोर्ट चालू आए, फौरन देखने चली आई। ड्रामा देखने चली आई? लतिका की बर्थडे पे क्यों नहीं आई? जानती है कितना इंतजार किया हमने? अंकल, अगर आपका बर्थडे होता ना तो मैं अपना शो छोड़कर भी चली आती। उस दिन मेरा अपना प्ले था ना अंकल। प्ले की बच्ची। तनेजा, आज शाम को चालू कोर्ट में जामेबाज की पेशी करो। मेरा मतलब है कि एक बॉक्स रिजर्व करवा दो और मेरी कार इसकी ड्यूटी पे रहेगी। हाँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलेंगे। हाँ। देखो बेटा, क्या बात है कि आज शाम को मैंने खाने पर किसी खास आदमी को बुलाया हुआ है।
मिस्टर अरोड़ा, अब तो बात अखबारों तक पहुंच गई। अगर मेरे होटल की बदनामी दूर ना हुई तो सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। तो फिर कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ लीजिए जिसमें बदनामी ना हो। भैंस मुर्गियां पाल लीजिए, डेयरी पोल्ट्री का बड़ा जोर है आजकल। मिस्टर अरोड़ा, बेहोश होने के लिए आप वहां क्यों गए जहां प्रेस वाले थे? गिरधारी लाल जी को तबाह करने के लिए। यही ख्याल है ना आपका? आप क्या मुझे इतना उल्लू का पट्टा समझती हैं कि किसी को बर्बाद करने के लिए मैं खुद मरना चाहूंगा? अब आप ही बताइए गिरधारी लाल जी, मरने वाला जगह चुन के पछाड़ खाता है क्या? आप लतिका की बात का बुरा ना मानी। एक बात बताइए, लतिका जी आपकी भतीजी भांजी है क्या? अरे तौबा करिए, पत्नी है क्या? जी नहीं, ये मेरी समझ गया। कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ है वही ना। ये कौन से खजाने की चाबी है जो हर वक्त सीने से लगाए रखते हैं? है ये किसी खास ही खजाने की है, आज तक मुझे भी नहीं बताया इन्होंने। अरे आपने इन्हें भी नहीं बताया? लीजिए। थैंक यू मिस्टर अरोड़ा जी, वो बदनामी मिटाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं। खास एहसान होगा अगर आप प्रेस वालों के सामने ये बयान दे दें कि मुझे फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी। यही ना जी? आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं और वो भी सफेद झूठ? जी नहीं। सुनिए, आप बुरा मत मानिए, हम इस एहसान की कीमत भी अदा कर सकते हैं। कीमत? ओ कीमत, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? पहले आपने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा, अब आप मुझे रिश्वत दे रही हैं। आपने मुझे समझ क्या रखा है? मैं असूल वाला हूँ मिस लतिका, ये लीजिए, अब मैं एक मिनट नहीं ठहर सकता। हाँ, प्रेम के लिए, दोस्ती के लिए और बात है। क्या मतलब? मेरा एक बचपन का जिगरी दोस्त है, होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा है उसके पास, तजुर्बा भी है, लेकिन आजकल कुछ सिलसिला ठीक नहीं है। सिलसिला उसका हम ठीक कर देंगे, होटल में उसे भी अच्छा सा काम दे देंगे। अच्छे काम के साथ एक क्वार्टर भी मिल जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। एक विधवा माँ है, उसकी छोटी बहन है, दोनों का इकलौता सहारा है। क्वार्टर भी दे दिया जाएगा, इंसान का फर्ज है एक दूसरे के काम आए, क्यों ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। अब मैं आपके लिए ऐसा काम करूंगा कि आप भी मान जाएंगे। मिस्टर अरोड़ा फ्रेंड इज योर सर। फ्रेंड आई मीन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तुम्हारा नाम? सुमेर सिंह, रणबीर सिंह सर। रणबीर सिंह? जी हाँ, मेरे पिताजी का नाम था, मेरे गांव का नाम है झरनिया, पोस्ट खुकरिया, डिस्ट्रिक्ट पिसारिया। घूमते क्यों है सर? मेरे बाप गांव का नाम सुन के आप मुझे भगा तो नहीं देंगे ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं, दरअसल मैं सोच में पड़ गया था कि तुम्हें कौन सा काम दूं। तुम बहुत स्मार्ट हो। जी हाँ सर, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, कुछ ही दिन में मालूम पड़ जाएगा आपको। अरोड़ा कह रहा था कि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे साथ आने वाली हैं। आई हैं क्या? जी हाँ सर, क्वार्टर में खुश हैं दोनों। माँ जी खुद आपको धन्यवाद देने आएंगे। मुझे नहीं चाहिए उनका धन्यवाद। आप जैसे महान आदमी के वो दर्शन करें, आप क्यों नहीं चाहते सर? एक बात अच्छी तरह समझ लो, मेरा वास्ता सिर्फ तुमसे है। होटल में काम करने वालों के रिश्तेदारों को होटल में आने की इजाजत नहीं। तुम्हारी माँ क्वार्टर ही में रहे, समझे? बिल्कुल समझ गया सर, सारा नक्शा माँ जी को ही समझा दूंगा। अपने दोस्त से कह देना कि मैंने होटल मैनेजमेंट में तुम्हें असिस्टेंट का जॉब दे दिया है, मैंने उसका काम कर दिया है, इसलिए आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मेरा काम कर दे। श्योर सर, आपका काम तमाम तमाम काम कर देंगे मेरे दोस्त। मे आई गो सर? यू मे गो। हिल गया प्यारे, हिल गया। तेरे नाम पे बाप का नाम ऐसे पड़ा जैसे नेले पे थैला, और गांव का नाम तुरुप की चाल। अरे उसकी तो बैंड बज गई, सक पका गया, और माँ जी के जिक्र ने तो बाजी जीत ली।
नहीं चाहता माजी उसे देखे ताकि पहचाना ना जाए। राइट। अब कोई शक नहीं बचा, गिरधारी लाल वही विक्टर है जिसे माँ तू बरसों पहले देख चुकी है। बेटा मैंने तो सिर्फ उसे एक ही बार देखा है, भगवान जाने पहचान भी सकूंगी या नहीं। तो आज ही पंचम के साथ आके भरे मजमे में पिताजी के कातिल को पहचान, फिर मैं देखता हूँ वो कैसे बचता है। वन कंपारी में नहीं जाने जा सर, अरोड़ा अभी तक नहीं आया सर, सारा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसको ढूंढ रहा है। तू हेल्प विद सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, तुम खुद जाकर पता करो। जल्दी सर। तो आप यहाँ जमे हैं, आपको कुछ टाइम का भी होश है अरोड़ा साहब? साढ़े पांच पैक बजे हैं, है ना? प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, आप अभी तशरीफ ले चलिए। चलिए चलिए। आनंद। यस सर। लेट मी कोट। थैंक यू सर। आप इस हालत में कैसे बयान देंगे कुछ समझ में नहीं आता। आपको तो चढ़ गई है। फिर से चढ़ गई बोला ना, तो चढ़ जाऊंगा, समझे? हाँ सर। चलिए सॉरी मिस टीना, मिस्टर अरोड़ा है ये, बाहर से लाया हूँ। लेकिन ये तो फिर खटमल, तुमने फिर मेरे इंसल्ट किए। लेकिन मिस्टर मेरा गला तो छोड़िए। घोट के रख दूंगा। तुमने क्यों कहा कि मेरे को चढ़ गई है? लेकिन मैंने आपसे कब कहा था? दूर जाओ मेरी नजरों से दूर। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस। अरे तुम जाओ। अरे जाते हो गए गुस्सा मारूंगा। मिस्टीना छोड़ दो मुझे। डरिए नहीं, मैं पूरे होश में हूँ। मैंने पी है, मैं पीने की एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग क्यों कर रहे थे? है कोई वजह? तो मिस्टर मैनेजर ने आपको अरोरा क्यों कहा? वो भी कोई वजह है, बड़े राज की बात है। आइए मैं आपको तन्हाई में बताता हूँ। इन देयर कम ऑन। अब बताओ क्या राज है? खोपड़ी क्यों जाते हो, कुछ बोलो भी। वो क्या है कि दरअसल मैं अरोरा नहीं, मालूम है प्रिंस हो। प्रिंस भी नहीं। What? अभी अंकल को बताती हूँ, जहाँ जाते हो वहाँ 420 करते हो। सुनिए सुनिए सुनिए, 420 नहीं फर्ज है, कर्तव्य के लिए बहुत से रूप धारण करने पड़ते हैं। हाथ छोड़ो, कैसा कर्तव्य? बात यह है कि अगर खुफिया काम करना हो ना तो भेद बदल कर। ओ, खुफिया काम, समझ गई। क्या सीबीआई वाले हैं? करेक्ट, मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। बड़ी इंटेलिजेंट है, कितनी जल्दी ताड़ गई। जासूसी नॉवेल बहुत पढ़ती हूँ। मेरा ख्याल है इस होटल में एक मुजरिम ठहरा है और आप अरोरा बनकर उसकी छुट्टी करना चाहते हैं। करेक्ट, फिर ताड़ा। मगर किसी से कहिएगा नहीं, वरना मुजरिम अपनी छुट्टी कर देगा। बड़ा ही खतरनाक है साहब। कल किया होगा, इस बार भी ताड़ गई ना। करेक्ट करेक्ट, बुलझाए। तेरे क्या हुआ? मैं भी कैसा ऑफिसर हूँ, किसी को नहीं बताया, सगी माँ को नहीं बताया कि मैं सीबीआई वाला हूँ। लेकिन आपको बताया, न जाने आपने मुझ पर क्या जादू कर दिया। यू कैन ट्रस्ट मी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे भी आपसे यही उम्मीद, न जाने क्यों आपके लिए पक्का एतबार हो गया। मैं अंकल को भी नहीं बताऊंगी। अंकल तो एक तरफ, मुझे यकीन है आप अपने बाप से भी नहीं कहेंगे। चलिए वापस चलें, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और भी एक्टिंग करनी है। कातिल होगा वहाँ? हो सकता है। तब तो मैं भी जाऊंगी, तुमने बड़ी क्रूर जाग उठी है। नहीं तुम नहीं आ सकती। क्यों, जहाँ ले जाया जा सकती हूँ, मेरे अंकल का होटल है। क्या कहा? गिरधारी लाल जी आपके अंकल हैं? वो बोले। ओ नो, मुंह बोले जी का परिचय पहले क्यों नहीं दिया मेम साहब? मेरा मुंह ना जाने क्या क्या बोल गया आपके सामने। What's wrong? दिल में जो पक्का एतबार जागा था, कच्चा क्यों होने लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल पक्का, अगले जन्म तक की गारंटी लिखवा लीजिए। जरूर आइए कॉन्फ्रेंस में, लेकिन थोड़ी देर बाद। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, थोड़ी देर और सबर कीजिए। आखिर कब तक? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक घंटा पहले ही शुरू होने वाली थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई अपोलोजाइज, प्लीज वेट फॉर फ्यू मिनट। अटेंशन अटेंशन, मैं आ गया हूँ, आप लोग मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कान दीजिए, मैं आपको स्पीच दूंगा। कॉन्फ्रेंस जेंटलमैन एंड प्रेस लेडीज,
What do you mean by first lady? First ladies and conference gentlemen. Mark ka bachcha. Hey, kya kar rahe? Ha. Oh, Mark ka bachcha. जिसे फूड पॉइजनिंग हुआ था आपके सामने है। कोई थी क्या? बिल्कुल नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। जी हाँ, जो ये कहते हैं ना वो ठीक है, वो डॉक्टर बकता है। आप सवाल पूछिए, जवाब मिलेगा। पहले ये जवाब दो, हमें 4 बजे का टाइम देके तुम 5 बजे खुद क्यों आ रहे हो? सिर्फ 5 बजे है तो फिर आप सबके चेहरों पे 12 क्यों बजे हैं? मिस्टर घनारीलाल, क्या आपने हमें यहाँ एक शराबी की बेहूदगियाँ झेलने के लिए बुलाया है? प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आई अपोलोजाइज। फिर जब ये कभी होश में होगा तो। मैं बिल्कुल होश में हूँ, मैं अभी ध्यान दूंगा। सीधा तो खड़ा नहीं हो सकता है, ये क्या ध्यान देगा? अरे मैडम, हम तुमको सीधा चल के भी दिखा सकते हैं। संभालो मुझे यारो, मैंने नहीं पी ये प्यार का नशा है। अरे रे रे संभालो मुझे यारो, मैंने नहीं पी ये प्यार का नशा है। ये कभी उतरा है न कभी उतरेगा, ये मियाँ जामता नहीं निगाहे यार का नशा है। अरे रे रे संभालो मुझे यारो, मैंने नहीं पी ये प्यार का नशा है। यार नजर आते हैं खुशी के मारे, कभी कदम बहक जाते हैं। इनसे मिलिए ये है एक जानने वाले मेरे, और ये भी तो है पहचानने वाले मेरे। आपके दिल में है कि मुझे होश नहीं, आज हंस कर न देखिए मुझे हर बात का पता है। अरे रे रे संभालो मुझे यारो, मैंने नहीं पी ये प्यार का नशा है। नहीं है जो नजर आती है, ये नजारा भी अजब है यारो, के जो दुश्मन है वही साथी है। ये तो रंगी भी है कैसी तौबा, के तबीयत मेरी घबराती है। जो कहीं जुल्फ महक उठती है तो कहीं खून की बू आती है। अरे ये क्या मैं कह गया, मुझे क्या आज हो गया, ये मियाँ जाम का नहीं निगाहे यार का नशा है। अरे रे संभालो मुझे यारो,
मैंने नहीं पी, ये प्यार का नशा है। चलो चल के कहीं तो दिल प्यार करे, आज तक जो न किया वो ही इकरार करे। हमें स्वीकार करो तुम, तुम्हें स्वीकार करें हम, के हमें आज कुल बदन तेरे दीदार का नशा है। मर गए उठाकर ले जाओ इसे। अरजिद संभालो मुझे यारो, मन नहीं पी ये प्यार का नशा है। अरजिद संभालो मुझे यारो, मन नहीं पी ये प्यार का नशा है। अरजिद संभालो गिर मजा। देखते क्या हो, उठाओ इसे और ले जाओ। अरे सेठ जी घबराइए मत, अब हम आ गए संभाल लेंगे। आइए माँ जी। अरे क्या हुआ इसे? अरे 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 माँ जी, माँ जी उधर नहीं इधर। मुझे नहीं मालूम, लेकिन माँ जी ने तो आपको पहचान लिया। आपको देखते ही ना रश क्यों आया? रश आ गया है तो हॉस्पिटल ले जाओ, बातों में वक्त जाया ना करो। सच माँ, तुम सच कह रही हो ना माँ? हाँ बेटी। माँ किरदारी लाल जी हमारे पिता हैं। हाँ बेटा वही तुम्हारे पिता हैं। जिन्हें मैं अपने पिता का कातिल समझता था वही हमारे पिता हैं। हाँ बेटा माँ, अब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे माँ। हो गए माँ, दुख दूर हो गए, सब दुख दूर हो गए। पगली तू नहीं जानती हमारे पिता कितने बड़े आदमी हैं, कोई मामूली आदमी नहीं। अब मेरी बहन दुल्हन बनेगी, इतनी धूमधाम से तेरा ब्याह होगा कि सारी बंबई देखती रह जाएगी। सारी बंबई देखती रह जाएगी। भगवान लाख लाख शुक्र है, आज इन बच्चों के सर पर उनके बाप का साया कायम है। ले चलो मुझे पिताजी के पास, जरा मैं उनसे पूछूं तो कि वो हमें भूल क्यों गए,
उनको हमारी याद क्यों नहीं आई? तुमने तो उनके दर्शन कर लिए, लेकिन ये नजरें उनके दर्शन को तरस रही है भैया। मुझे पिताजी के पास ले चलो। मगर तुम्हारे पिताजी की नजर तो तोता ब्रांड की था। माँ जी को गश आ गया, फिर भी पहचाने से इनकार कर दिया। अबे कैसे पहचानते गोंगा बसंत? और लोग नहीं थे वहाँ जिनके लिए वो गिरधारी लाल जी हैं? उनके सामने कैसे मान लेते कि वो रणवीर सिंह जी हैं? और वो छिपकली भी तो पहले में छिपकी हुई थी। माँ हम लोग पिताजी को जाके ऑफिस में मिलते हैं, वहाँ कोई ना होगा। और गीता तू भी देख लेगी क्या शानदार ऑफिस बनाया है। भैया ऑफिस छोड़ दे गीता, शांत तेरे पिताजी की देखने वाली है। ओहो माँ तो फिर चलो ना, चलो ना भैया। माँ चलो ना, मगर ठहरो। क्यों क्या हुआ? पिताजी के सामने तुम बगैर मांग भरे जाओगी? कैसे जा सकती हो? अरे हाँ माँ, मांग तो भर ले। तुम ठहरो, मैं अभी आई। भाई नहीं यार है उसका। पढ़ो ये पोस्ट कार्ड जो मेरे खत के जवाब में तुम्हारे गांव के चौधरी ने भेजा है। लिखा है, निर्मला की गोद में एक नन्ही सी बच्ची थी। सब कहते हैं कि किशनलाल के साथ मुंह काला किया उसने। अरे अब तो मान लो कि तुम बाप नहीं हो। तुम 20 तारीख को गांव गए थे और 6.5 महीने के अंदर निर्मला की गोद भर चुकी है। पूछूंगी उनसे, आपने जीते जी मेरी ये मांग सुनी क्यों कर दी? ना माँ, आज तो कितनी खुशी का दिन है। पिताजी से लड़ना मत। हाँ अगर आपने संदूर मेरे लिए लगाया है तो पहुंच डालिए, मैं आपका पति नहीं। जी आप क्या कह रही हैं? मैं ही हूं जी, निर्मला आपकी धर्मपत्नी। मेरी धर्मपत्नी? मिस्टर अरोड़ा इन्हें किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, इनका दिमाग चल निकला है। जो गैर मर्द को अपना पति समझने लगी। हिंदुस्तानी औरत पागलपन में भी किसी गैर मर्द को अपना पति नहीं कहेगी। हिंदुस्तान में हर औरत सती सावित्री नहीं होती, कुल टाइम भी पाई जाती हैं इस देश में। जबान संभाल के बात कीजिए, आप मेरी माँ को उल्टा कह रहे हैं। मैं तो आम बात कर रहा था, तुम अपनी माँ पर ले गई। क्या कोई कलंक लग चुका है इन्हें? ये कलंक बिल्कुल झूठा है। ये तो तुम्हारी माँ ही बेहतर बता सकती है। ये आप भी जानते हैं, नाम बदल कर तो आप नेक नाम हो गए, बीवी बच्चों को बदनाम कर गए। बंबई आकर आपने दौलत कमाई, इज्जत कमाई, लेकिन गांव में हमारे लिए जिल्लत छोड़ गए। पिताजी ये कैसा इंसाफ है? मैं तेरा पिता नहीं हूँ मूर्ख लड़की, तेरा बाप कोई और है। अपनी माँ की बात का यकीन मत कर। मिस्टर अरोड़ा ये देवी जी जबरन मेरे गले पड़ना चाहती है, आपको इन्हें रोकना होगा। आइंदा ना तो ये मेरे लिए मांग भरे और ना इनकी जबान पर मेरे लिए पति का लफ्ज आए। ठीक है मैं जबान सी लूंगी, लेकिन मांग जरूर भरूंगी, इसलिए कि आपका दम बना रहे। ये ढकोसला छोड़ो, तुम्हारी बेटी का बाप मैं नहीं, तुम्हारा पति मैं नहीं। मिटा दो इसे, मिटा दो इसे। मिस्टर गिरधारी लाल बहुत हो गया। अगर आप माँ जी को पराया समझते हैं तो आपने इन्हें हाथ क्यों लगाया? आई एम सॉरी, इनके पागलपन ने मुझे मजबूर कर दिया था। मिस्टर अरोड़ा अगर आप चाहते हैं कि मेरे होटल में सुमेर की नौकरी बनी रहे तो इन माँ बेटी को फौरन गांव वापस आना होगा। अगर तुम्हारे पिताजी कातिल हैं तो उम्मीद छोड़ दो कि वो माँ जी को पहचानेंगे, और इस जन्म में अबे भोंदू, हम कब चाहते हैं कि वो माँ जी को पहचाने और खुद फांसी पा जाए? पहले ये तो साबित हो कि वो निर्दोष है। निर्दोष है? निर्दोष है तो क्रिकेट की तरह रंग, मेरा मतलब नाम क्यों बदला? ये कुत्थी सुझाने के लिए मुझे अरोरा बने रहना होगा।
हाय, कम ऑन इन। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। मैडम, इस वक्त सिर्फ औरतें ही आ सकती हैं, मर्द नहीं। बाहर जाओ और किसी औरत को भी अंदर मत आने देना। मगर वगर कुछ नहीं, आउट आई से। प्लीज मैम, पीछे क्या देख रहे हो, चलो ना। इरादा क्या है मेरा? बताती हूँ। कल से अंकल के बारे में बड़ी कुरे चल रही है। वो लेडी जिनको अंकल के सामने गश आया, क्या नाम था उनका? मिस सिंह। कैसी लगी आपको? मैडम लतिका से कहीं अच्छी। मुझे अपनी माँ तो याद नहीं, लेकिन मिसेस सिंह इतनी अच्छी लगी कि स्टेज पर संतोषी माँ का रोल कर सकती हैं। कमाल है आपकी अक्ल का। सुना अक्लमंद, तो चलो दोनों मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। गश आने से पहले उन्होंने कहा था आप हैं जी। जी क्यों कहा अंकल को? सोचने वाला पॉइंट है ना? हाँ है तो। लेकिन दोनों में जी वाला नाता कैसे हो सकता है? अंकल है गिरधारी लाल और वो तो मिसेस लाल नहीं, मिसेस सिंह है। हाँ, ये पॉइंट भी देखने वाला है ना। मैं पॉइंट पे पॉइंट दिए जा रही हूँ और तुम हूँ किए जा रहे हो। कैसे सीबीआई वाले हो, प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, मुझे खलबली हो रही है। अब तो मेरे अंदर भी खलबली मच गई है। दोनों मिलके पहले ये नया प्रॉब्लम सुलझा लें। कैसे? ऐसे। छोड़ो, क्या कर रहे हो? मिलके प्रॉब्लम सॉल्व। ब्लू, छोड़ो मुझे। टीना, अब मुझे गैर मत समझो। तमन्ना है कि हम सदा के लिए एक हो जाएं। अच्छा बाबा अच्छा, लेकिन इतना टाइट मत ले लो और किसी भी समय करना। हाँ जरा सोचने दो। बड़ी फुर्सत से बनाया है तुम्हें बनाने वाले ने। चलो अब तो तुम्हें मिसेस सिंह से मिलाना ही होगा। अबे क्या कर रहा है? सॉरी सर, सॉरी। हाँ आओ। वो तुम्हारी माँ और बहन गांव चली गई? सर नहीं, वो चौपाटी गई है भेलपुरी खाने। आती होंगी। लेकिन उन देवी जी को जरा मुझसे दूरी रखना। हाँ, मुझे भरोसा रखिए। थैंक यू फॉर द लेटर। क्या कह रहे थे बड़े मियाँ? कह रहे थे माँ जी को मुझसे दूर रखना। मैं हमेशा कहता था ना, इसका कारण वो चुपकली है बस। नहीं नहीं नहीं, वो उसका कारण नहीं है। मेरा ख्याल रायजादा जी हैं। रायजादा जी? हाँ, वो पिताजी के हमराज भी हैं और दुश्मन भी। बात की तह तक पहुंचने के लिए अब रायजादा जी का यहाँ होना बहुत जरूरी है। आइए आइए रायजादा जी, वेलकम। हाउ आर यू? एक बात का ख्याल रहे, गिरधारी लाल को इस बात का पता ना चले कि हम एक दूसरे को जानते हैं। जब तक मैं ना चाहूं, मजाल है किसी को पता चल जाए। फूड पॉइजनिंग केस के बाद ऐसी ऐसी चालें चला हूं कि आप भी याद करेंगे। और क्या क्या गुल खिलाए हो यहाँ? तरह तरह के गुल, बस देखते जाइए। जिस प्लीज आइए। आपसे किसी को मिलाना है। किसको? रायजादा जी को। रायजादा जी, अरे गुल नंबर एक खिलने वाला, आइए ना। हेलो गिरधारी लाल। अरे भाई साहब, व्हाट ए सरप्राइज। अब के कुछ यूं ही मूड हुआ कि चलो नया साल तुम्हारे साथ मनाते हैं। भाई साहब, ये होटल ही आपका है, लेकिन आप ये मिस्टर अरोड़ा को कब से जानते हैं? ये समझ लो कि कुछ ही दिनों से। और कुछ ही दिनों में इन्होंने मुझे अपना बना दिया। दरअसल इनकी सेवा के लिए ही मैं बंबई आया, दो चार काम सौंपे थे मुझे। कमाल है भाई साहब, मेरे बंबई में होते हुए आप काम किसी दूसरे को सौंपे, मुझसे क्यों नहीं कहा? अरे नाजुक से प्राइवेट काम है वो, बता दूं ये भी आपके अपने ही लगते हैं। मैं खुद बता दूंगा बाद में। बात ये है कि न्यू ईयर नाइट में बिजनेस की बातें करना कुछ अच्छा नहीं लगता गिरधारी लाल। अब जो बात होगी वो आपको जरूर अच्छी लगेगी राय साहब। चौहान साहब आइए, आइए आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चौहान। मिस्टर अरोड़ा मुझे यकीन दिला चुके हैं सर कि इन्हें फूड पॉइजनिंग नहीं हुई थी। मैंने हेड ऑफिस को टेलेक्स किया था, कल ही हमारी एयरवेज का कॉन्टेक्ट आपको मिल जाएगा। वंडरफुल न्यूज, व्हाट ए लकी न्यू ईयर भाई साहब। थैंक यू वेरी मच चौहान। बात पसंद आई राय साहब जी,
ये गुल नंबर दो था। ये बात बात पर गुल नंबर एक, गुल नंबर दो, आखिर मामला क्या है? राय दादाजी पूछ रहे थे कि यहाँ आके मैंने क्या क्या गुल खिलाए। मुझे तुम्हारी खास फिक्र थी गिरधारी लाल। मैंने टेलीफोन पर अरोरा से यही कहा था कि जब तक तुम्हारी होटल से ये फूड पॉइजनिंग की बदनामी का मामला खत्म ना हो जाए वो यही रहे। मेरा ख्याल ये है कि अब ये जा सकते हैं। अब मैं कई दिनों तक नहीं जाऊंगा, मुझे और भी कुछ बदनामियां मिटानी है। तो अरोरा को आपने मेरी मदद के लिए कहा था? बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं तो ये समझा था कि उसने ये सब कुछ सुमेर की खातिर किया है। सुमेर? ये सुमेर कौन है? उसका एक दोस्त है, आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा अच्छा। अरे भाई तुम्हारी ये टीना और लतीका कहाँ है? मेरा ख्याल है कि अपने सूट में तैयार हो रही होंगी, अभी आ जाएंगी। बड़ी सुरीली होगी वो थक थक, जरा हम भी तो सुन लें। माजी और गीता कहाँ है? यही तुमसे पूछने निकला था। मैंने तो माजी को कब का सजा कर पार्टी में भेज दिया। अच्छा, उधर तो नहीं दिखी? कैसे सीबीआई वाले हो? माजी पार्टी की भीड़ भाड़ से घबराती है, किसी कोने में देखो। आइडिया। हाँ, पहले वो कोना देख लें। डैडी, व्हाट अ सरप्राइज। डैडी? जी हाँ, ये मेरी बेटी है। ये आपकी बेटी? ओहो, तब तो ये गुल नंबर तीन हुआ रही दादाजी। शट अप, चलो डीना। डैडी पहले इनसे जान पहचान तो कीजिए। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और अब पहचानने भी लगा हूँ। चलो यहाँ। दादा साहब, बहुत खुशी हुई कि आप नया साल मनाने के लिए यहाँ चले आए। आप तो जानती हैं कि टीना और आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में है कौन। डैडी डैडी, पार्टी के लिए मैंने एक सरप्राइज आइटम का इंतजाम किया है। क्या? हम भी तो सुने, क्या सरप्राइज आइटम है? आप खुद थोड़ी देर में देख लेंगे। नए साल के लिए लाइट्स ऑफ होने के बाद जैसे ही लाइट्स ऑन होंगी तो कई गुल खिलेंगे। फिलहाल गुल नंबर चार पेश है। राय दादा जी। पंचम, तुम यहाँ? अरे भाई आ गया हो, तुमसे बात कर रहे हैं। जब आपने रणवीर सिंह जी के बारे में पूछताछ करने के लिए अपने होटल से मेरी छुट्टी कर दी थी अंकल, तो मैं छुट्टियां मनाने इनके चरणों में चला आया। भाई साहब, ये तो सुमेर है, आपने इसे पंचम कैसे कह दिया? मैं बताता हूँ, लोग दौलत के स्वार्थ के लिए नाम बदल लेते हैं सर। सुमेर ने अपनी माँ के माथे से एक झूठा कलंक मिटाने के लिए नाम बदला है। आइए माता जी। इन्हें यहाँ क्यों लाए? इनके लिए गुल नंबर पांच खिलाना था ना सर। ये कौन लोग हैं गिरधारी लाल? बस इतना जानता हूँ भाई साहब कि ये सुमेर की माँ है। मैं आपके दिमाग की घंटियां बजा दूं जरा। ये मिसेज रणबीर सिंह है, परसों पहले अपने पति की तलाश में ही आपके पास आई थी। आपके सामने अपने बेटे की कसम खा के इन्होंने कहा था कि 20 अगस्त को इनके पति जिंदा थे। तो क्या इस वक्त आप अपनी बेटी की कसम खा के कह सकते हैं कि रणबीर सिंह जी का कत्ल हो चुका है? कत्ल? यानी कि मर्डर मिस्ट्री? डैडी खाई ना कसम, प्लीज डैडी, मर्डर मिस्ट्री के लिए। तुम ये बेसुरा बातें मत सुनो, जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ जाओ यहाँ से। गिरधारी लाल जी, सिर्फ मैंने ही नहीं बल्कि पुलिस ने भी यही कहा था कि इनके शौहर का कत्ल हो चुका है। नहीं नहीं, भगवान करे मेरे पिताजी सदा जीते रहे, मुझ बदनसीब की भी उम्र होने लग जाए। गिरधारी लाल, ये न्यू ईयर का जश्न है या अदालत का सेशन? आप काफी गुल खिला चुके हैं मिस्टर अरोड़ा, अब यहाँ से ले जाइए अपने मेहमानों को। आइए भाई साहब। गीता, गीता लाइट्स जाने वाली है, जल्दी से रेडी हो जाओ, कम ऑन।
जाओ ना। Wish you a very, very, very happy New Year, भाई साहब। Happy New Year, darling. अरे Happy New Year. I wish. माँ बेटी पर खास नजर रखना। कहने की जरूरत नहीं, मुझे भी शक है। आखिर सुमेर मेरी अपनी ही औलाद है, लेकिन उसके साथ वो हराम की औलाद भी तो है। इधर तो दिमाग ठीक नहीं है, नसीब ठीक नहीं है, पति होके भी हमारे लिए पराए जैसे हैं। पिताजी तो अपने आप को भी भूल चुके हैं, उन्हें तो अपना नाम तक याद नहीं है। Thank you.
दिया। रो मत पगली, अब तो सब ठीक होने वाला है, बस तू देख लीजिए। Here you are, sir. World Airways का कॉन्ट्रैक्ट। Thank you very much. It's a great favor. My pleasure, sir. सर एक बात पूछूं? पूछो। कल रात जिस लड़की ने गाना गाया था वो कौन है सर? नाम तो उसका गीता है, लेकिन ठीक तरह से उसके बारे में ज्यादा तो मैं भी नहीं जानता। ऐसा लग रहा था वो सिर्फ गाने के लिए नहीं, दिल से गा रही थी, आंखें भर रही थी उसकी। मेरा भी दिल भर आया था। आप पर क्या असर हुआ सर? मैं तो मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था, मगर उसका ध्यान तो सिर्फ आपकी तरफ था। एक फरियाद सी थी उसके गाने में। किस लिए सर? मैं क्या जानू? मैं जानता हूं, इसलिए कि एक यही है जो उसका दुख दूर कर सकते हैं। क्या दुख है उसे? सिर्फ इतना बता सकता हूं कि उस दुख से छुटकारा पाने के लिए बेचारी अपने गांव के कुएं में कूद के जान देने लगी थी। ये शायद आप भी नहीं जानते सर। गीता गांव से रही है। उसके पिता का नाम? रणबीर सिंह। मिस्टर चौहान, ये छानबीन फिर कभी, इस वक्त मेरी एक और जरूरी अपॉइंटमेंट। बस एक मिनट सर, क्या ये गीता झिड़निया गांव से आई है? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम? मैं समझ गया सर कि गीता आपके पास क्या फरियाद लेकर आई है। यही कि आप उसकी शादी मुझसे करा दें। क्या बकते हो तुम? इस गीता की सगाई मुझसे हुई थी जो पिताजी ने तोड़ दी, क्योंकि उनको पता लगा कि इसकी माँ एक। शट अप! इसके आगे कुछ मत कहना, एक लफ्ज भी नहीं। गीता उन्हीं रणबीर सिंह जी की बेटी है जिन्होंने अपने जीते जी अपनी पत्नी की मांग का सिंदूर छीन लिया। अपनी बेटी को अनाथ बनाकर आज खुद भी जिंदा है और कहीं मुंह छुपाए बैठे। ये सच है क्या? मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ कि इस दुनिया में रणबीर सिंह जैसे जालिम बाप होंगे। चौहान, बहुत हो गया। लोगों का करेक्टर डिस्कस करना है तो फिर किसी दिन आइएगा। मैंने कहा ना मेरी जरूरी अपॉइंटमेंट। I'm sorry, sir. It's all right. Bye. Bye. See you. तो मिसेस सिंह की बातों पर तुम्हें यकीन है, और उस दिन उन्हें पागल मानकर तो मेरी आंखों में धूल झोंक रहे थे। उन्हें आज ही होटल से जाना होगा, और तुमको भी। पहले वो सुन लीजिए जो मैं कहने आया हूं। मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या ये भी नहीं कि जिस प्राइवेट काम के लिए रायजादा ने मुझे यहां भेजा था वो काम था आपको तबाह करना? जी हाँ, फूड पॉइजनिंग का नाटक उनके कहने पर खेला गया था। मुझे 50,000 रुपए दिए थे। भागो मत, रायजादा को मुझे तबाह करके क्या मिलेगा? शायद वो कागज जो आप दोनों के लिए बेहद कीमती है। ये रायजादा ने कहा तुमसे? जी नहीं, कैलिम्पोंग होटल में मैंने आप दोनों की बातें छुपकर सुनी थी। उस वक्त मैं आपको विक्टर समझता था, इसलिए आपको बर्बाद करने पर राजी हो गया। जब माजी ने बताया कि आप सुमेर के पिता हैं, तब से आपका दुश्मन मेरा दुश्मन। और दुश्मन की बेटी तुम्हारी दोस्त है। जी जाओ मिस्टर, ये चकमा किसी और को दो। मैं जानता हूं कि तुम मेरे और भाई साहब के दरमियान फूट क्यों डलवाना चाहते हो, ताकि मैं रायजादा साहब की बात ना मानकर मिसेस सिंह को अपना लूं। ये नामुमकिन है। तुम लोगों को यहां से जाना ही पड़ेगा। सोच लीजिए, अगर हम लोगों को निकाला तो झिरनिया का हर आदमी जो आपको पहचानता है यहां मौजूद होगा। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, आपके मिजाज तो ठीक हैं? दगाबाज, मुझे नहीं मालूम था कि मैं आस्तीन में सांप पाल रहा हूं। जिन हाथों ने तुझे दूध पिलाया उन्हीं को डस रहा है? ये गुल नंबर स्पेशल है। इस होटल की फिताई कुछ ऐसी, आप भी तो अपनी बेटी के साथ दगा कर रहे हैं। क्या मतलब? गिरधारी लाल जी को वो बेहद चाहती है, प्यार से उन्हें अंकल कहती है, और आप उन्हीं को तबाह करने आए। निकल जाए इस होटल। क्यों निकलूं? बिल चुका रहा हूं। मेरे ही पैसों से, जो 50,000 मैंने दिए थे। वो तो आपके लिए बड़ी मामूली सी रकम है सर। 400 BC के मामले में तो आप लाखों रुपए दान कर देते हैं। परसों पहले गिरधारी लाल जी को आपने 10 लाख रुपए दिए थे।
ऊपरी सुनते ही लिफ्ट क्यों रोकती है? ये तुमसे किसने कहा? गिरधारी लाल? अजी नहीं, सवेरे सवेरे मुझे सपना आया था और कहते हैं सवेरे के सपने सच होते हैं। 10 लाख रुपए क्यों दिए थे सर? बेसरपा सपने देखना छोड़ दो परखुड़दार, वरना अंजाम भयानक होगा। मेरे लिए भयानक होगा तो टीनी को अच्छा नहीं लगेगा। दूर रहो मेरी बेटी से वरना कुचल कर रख दूंगा, समझे? इस उम्र में हाथापाई का शौक अच्छा नहीं, थोड़ी हड्डियां टूटकर मुश्किल से टूटती हैं। मेरा हमराज बनकर मुझसे गद्दारी करने वाला जिंदा नहीं रहता। ओ आई सी, तो पुलिस रिकॉर्ड्स में रणबीर सिंह के नाम जो कत्ल दर्ज है वो आपने किया है। फिर निशाने पर लग गया। अरे अभी तक चेंज नहीं किया? मूड नहीं है। तो क्या मैं अकेली गोता लगाऊं? गोता तो हम खा गए मेम साहब, रायदादा की बेटी से इश्क करके। मतलब? बड़ी उलझन में हूँ, एक तरफ फर्ज है और दूसरी तरफ इश्क। यहाँ सिर्फ इश्क। अंदर चड्डी पहने हो ना? हाँ हाँ, क्यों? गुड। अरे अरे ये क्या कर रही हो? लड़की जैसे नखरे मत करो, शर्ट उतारने दो। अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सुनो तो। अरे ये कैसी दादागिरी है? ऐसी। अरे अरे, अरे अरे क्या कर रही हो टीना? स्टॉप इट प्लीज, स्टॉप इट। मत लो मत, तुम्हारी लाश नहीं लूटेगी, अब चलो तैरने। अरे कमाल है, मुझे तुमसे सीरियस बात करनी है, तुम्हें खिलवाड़ सूझी है। डैम इट, रूठ गए। चलो हो गई सीधे, करो बात। क्या बात करूं, तुम्हारा मूड ही कुछ और है। अब मान भी जाओ सीरियस बात है तो सुनने की बड़ी खलबली है। कहो ना, कहो ना। आंखें फिर सेक लेना बाबा, खलबली है, कहो ना, कहो भी। बड़े अच्छे हो, चुपके से कह दो मेरे कानों में, बोलो ना। Oh.
को छोड़ो भी सनम, जग की बात को यहाँ कौन आएगा आधी रात को। नजरे मिला लो तमन्ना निकालो, नजरे मिला लो तमन्ना निकालो, मुझे जो है तुझे भी हो वही नशा कुछ 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 कुछ। आपने क्या कर दिया ये, आपने क्या कर दिया के होने लगा मुझे भी कुछ 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 कुछ। आपने क्या कर दिया बदन बहका दे मुझे, आए गुल बदन बहका दे मुझे अपने प्यार से महका दे मुझे। आए हसीना के जब तक है जीना, आए हसीना के जब तक है जीना, मानो नहीं जानो नहीं तेरे सिवा कुछ 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 कुछ। आपने क्या कह दिया ये, आपने क्या कह दिया के होने लगा दिल में कुछ 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 कुछ। आपने क्या कह दिया ये, आपने क्या कह दिया। ये शादी क्यों बुलाया मुझे? ये चिट्ठी तुमने लिखी है? यहाँ आओ बैठो, पढ़ो जोर से पढ़ो। मैं बहुत परेशान हूँ डार्लिंग, डैडी बहुत नाराज है, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। रात को 11 बजे बेसमेंट में मिलो। तुम्हारी टीना राय ज्यादा हुकमचंद की बेटी, और ऐसी दलील हरकत करे, आधी रात में उसे बेसमेंट में बुलाया है, मेरे लिए डूब मरने की बात। You're right, Daddy. आधी रात को बेसमेंट वाली हरकत, वेरी दलील। मैं तो दिन दहाड़े खुलेआम उसे मिलके आई हूँ। Shut up. मेरे मना करने के बावजूद भी तुम उससे मिलने गई थी। डांटिए मत, पर ना रो दूंगी, फिर आप ही को मनाना पड़ेगा घंटों। मनाना तो एक तरफ रहा, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा। वो लेटर मैंने नहीं लिखा डैडी, ईश्वर अल्लाह गॉड सब की कसम खा के कहती हूँ, वो लेटर मैंने नहीं लिखा। खामोश, झूठ बोलती है। अरमान सर, इस कमरे का टेलीफोन कटवा दो। यस सर। और जब तक हम हुक्म न दें इसे कमरे से बाहर निकलने मत देना। राइट सर। इसका बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, सिर्फ रुकूंगी तो इसलिए क्योंकि मेरे बाप का हुक्म है। हेलो। मैं बहुत परेशान हूँ डार्लिंग, डैडी बहुत नाराज है, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। रात को 11 बजे बेसमेंट में मिलो। बेसमेंट में? टीना, टीना, टीना। तुम्हारी टीना? राय ज़ादा हुकमचंद की बेटी। ना, 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 ना,
आदमी अंदर नहीं आना चाहिए, कौन कितने बजे आता है, कहाँ जाता है, सब इसमें होना चाहिए, समझे? तुम जाओ अपने कमरे में सो जाओ। लेकिन डैडी अंकल की तबीयत। बेटे हम सब लोग यहाँ हैं। तुम जाओ। अब कोई खतरा नहीं। Nothing to worry at all। सुन लिया? मैंने नहीं कहा कोई खतरे की बात। जाओ। तुम शाम। बाकी लोग भी जाएं। पेशेंट को रेस्ट करने दें। प्लीज।
आपने नहीं सुना मिस्टर अरोरा? जी पैरा नहीं। गुड। एक एक खुराक तीन तीन घंटे बाद देने दीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं, नींद का इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन तकलीफ की वजह से हो सकता है कभी कभार नींद खुल जाए, पूरी तरह से होश नहीं आएगा। आई वुड सजेस्ट कोई नर्स। नर्स की कोई जरूरत नहीं डॉक्टर, रात भर मैं इनकी देखभाल करूँ। थैंक यू। मैं तो कहता हूँ अब आप भी जाकर आराम कीजिए। आप मुझे यहाँ से भगा क्यों रहे हैं? कोई खास मकसद है क्या? अब आप तो मजाक कर रही हैं, मैं तो आपके आराम के लिए कह रहा था। ओह हाउ नाइस ऑफ यू। वैसे बरसों से मैं ही इनकी देखभाल कर रही हूँ। आप भी जाइए आराम कीजिए। थैंक यू। What happened? मुझे जिंदा देखकर तुम्हें बहुत निराशा हुई होगी। Don't be silly. मैं तो खुशी से उछल पड़ी। तुमने तो अंकल को भी बचा लिया। You are a real he-man. दूर रहो। अब ये गले लगने का जादू मुझ पे नहीं चलेगा। दरअसल तुम चाहती थी कि मैं मौत को गले लगाऊं, इसलिए मुझे बेसमेंट में आने को कहा। बेसमेंट? Oh no! वो जलील बुलाना मैंने नहीं किया। वो खत मैंने नहीं लिखा। नादान बनना छोड़ो, तुमने मुझे फोन करके बुलाया था। मेरा फोन तो डैडी ने कटवा दिया हनी, किसी और ने किया होगा। कमाल के बॉयफ्रेंड हो, मेरी आवाज भी नहीं पहचानते। आवाज तो क्या, मैं तुम्हारा असली रूप पहचान गया। बाप ने तो बटलर लगाया था मेरे पीछे, पता ना था बेटी कुटनी का काम करेगी। नीच बाप का जलील खून रंग ला के रहा। शट अप, मेरे डैडी को गाली दी? बोलो सॉरी, फौरन बोलो। बोलो। जहन्नुम में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारा बाप। You stupid idiot! Brute! Devil! जंगली! पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। क्या मिस्टर अरोरा की तारीफें हो रही हैं? हाँ डैडी, आपकी तरह उसे भी मुझ पर भरोसा नहीं। पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ गया है। पहले तो आपको जालिखत लिखा, फिर उसको फोन किया जैसे कि मैं बोल रही हूँ। फिर? और वो घोचू मान गया, मेरी आवाज भी नहीं पहचानता। सीबीआई अफसर है या घसियारा? वो सीबीआई ऑफिसर है डैडी। मैंने उसको कसम दी थी कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। कोई कत्ल के किस्से के लिए यहाँ आया था। डैडी आपको मेरी कसम, किसी को मत बताइएगा प्लीज डैडी। Thank you.
बाहर फटा जा रहा। अब सुकून मिला। सुन हो गया। कितने सेवा करती हो तुम मेरी क्षति का। और इतनी रात गए यहाँ? जब सारी दुनिया बेखबर हो, दगा और फरेब के जाल तभी बिछाए जाते हैं। फरेब की उम्मीद है आपको मुझसे? मदद की भी। थोड़े ही दिनों में यह होटल नीलाम होने वाला है। बचाने के लिए 50 लाख आप देंगे। 50 लाख मैं दूंगा? क्यों, ये होटल मेरा तो नहीं है। आपके दोस्त का तो है, क्या ये वजह काफी नहीं? जी नहीं। जानती थी आप अपने सिवा किसी के दोस्त नहीं हो सकते। कोशिश में हूं नीलामी तक होटल की मालिक मैं बन जाऊं। पचास लाख रुपए आप मुझ पर निछावर नहीं कर सकते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरी बार आप ना नहीं कर सकेंगे। मुझे यकीन है कत्ल का इकरारनामा पाने के लिए आप वो रकम जरूर देंगे। बकवास कर रही हैं आप, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आपसे तो बड़ी समझदारी की उम्मीद थी, लगता है आपको अपनी जान प्यारी नहीं। खैर, कल तक वो इकरारनामा पुलिस के पास पहुंच जाएगा। ठहरिए। दैट्स बेटर। वो कागज मैंने आपके दोस्त की तिजोरी से उड़ाया है। दिखाइए। संभाल के रख छोड़ा है मैंने, मौका आने पर इस हाथ दे और उस हाथ ले। सौदा मंजूर। इसके अलावा चारा भी क्या है? चलिए मिस्टर राय दादा, आप वैसे तो काफी चालाक आदमी हैं। ये कत्ल आपसे हुआ कैसे? उस वक्त मेरे लिए कोई चारा नहीं था। मामला संगीन था, दिमाग काफी परेशान था। मेरा एक पर्सनल वैले था विक्टर। विक्टर, ये तो सिर्फ प्रिंट है, तुमने तो नेगेटिव भी देने का वायदा किया था। अरे यार, गिनती नेगेटिव के लिए तो अपनी बहन देती रह जाता, तो और चाहता हूँ कि उसके जोर पे
रायदादा से जिंदगी भर का लेन देन बना रहे। विक्टर, मैंने रायदादा का नमक खाया है, मेरे होते तुम उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अपने नाता से कह दो अगले महीने से रकम का इंतजाम करे, वरना इस तस्वीर की एक नई कॉपी उसकी बीवी के पास पहुंच जाएगी। विक्टर, लाल, ये आपने क्या किया? ये कमीना इसी काबिल था। पिछले 2 साल से मुझे धमका रहा था। मैंने अपनी तमाम जायदाद और होटल अपनी मिसेस के पैसे से हासिल की है। अगर ये तस्वीर उन तक पहुंच जाती तो वो मुझे तलाक दे देती और मैं सब कुछ गंवा बैठता। रणबीर, जायदाद गंवाने के डर से आप अपनी जान गंवाने का सामान कर बैठे हैं साहब, फांसी भी हो सकती है आपको। फांसी? हाँ, पिटर मर चुका है। रणबीर, तुम मुझे बचा सकते हो, दूर चले जाओ, कहीं दूर चले जाओ, इतनी दूर जहां तुम्हें कोई न जानता हो। आप कहना क्या चाहते हैं साहब? आपके कत्ल का इल्जाम अपने सर लेकर भाग जाओ। मुझे बचा लो रणबीर, मैं तुम्हें 10 लाख रुपया देने को तैयार हूँ। इसे देखो, तुम्हारा खाता, डील डॉल भी बिल्कुल तुम्हारी तरह, और फिर इसकी शक्ल को मैं इस बुरी तरह कुचल दूंगा कि पहचानी भी नहीं जाएगी। कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ा जाएगा और फिर ये लाश बरामद की जाएगी, और इसके जिस्म पर तुम्हारा लिबास होगा, इसकी जेब में तुम्हारी पर्स और इसके हाथ में तुम्हारी कलम, और जैसे आप पहचानेंगे और बयान देंगे कि ये लाश रणबीर सिंह की है। तो आपने ऐसा इकरारनामा कैसे लिख दिया, ये जानते हुए भी कि ऐसी बात आपको फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है? ठीक है साहब, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन एक मेरी भी शर्त है साहब। साहब नहीं, भाई साहब कहो, आज से तुम मेरे भाई, तुम जो कुछ कहोगे मैं मानने के लिए तैयार। तो ठीक है, अपने हाथ से इस कागज पर लिख दीजिए कि विक्टर का कत्ल आपने किया है। वो किस लिए? वो इसलिए कि अगर मेरे भाग जाने के बाद पुलिस को ये पता चल जाए कि ये लाश मेरी नहीं विक्टर की है, तो इस केस में मैं अकेला नहीं फंसूंगा। लेकिन पुलिस को खबर कौन देगा, मैंने तुम्हें अपना भाई कहा है, तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं। कोई देर पहले आपने मुझे फांसी की भी धमकी दी थी, इसके बावजूद मैं नमकखोरी पर तैयार हूँ, लेकिन शर्त यही है कि आप अपने हाथ से इकरारनामा लिखें। नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। तुम 10 लाख के बजाय 15 लाख रुपए ले लो, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। तो फिर ठीक है, बुला लीजिए पुलिस को, जो जिसके मुकद्दर में होगा वो हो जाएगा। मैंने रणवीर सिंह की वो जिद मान ली, मुझे अपने होश और हवास पर काबू नहीं था, मैं कोई पेशावर कातिल नहीं था, तैश में ये कत्ल कर बैठा था। थैंक्स, शुक्रगुजारी के साथ, इस दिल में शर्मिंदगी भी है, मेरी जान बचाने वाले को मैं कल तक गलत समझता रहा। दो लोगों को आज भी आप गलत समझ रहे हैं सर। किन्हें? एक है रायजादा जी, जिन्हें आप भाई समझते हैं, वो आपको तबाह करने पर आमादा है। सबूत? खन्ना फोटो के प्रिंट्स लेकर आता ही होगा, और दवा में मैंने जहर मिला दिया है। क्या, गिरधारी लाल को आप जहर दें? रायजादा जानता है कि मैं उसका फंडा फोड़ने पर तुला हूँ, इसीलिए मुझे आग में जलाकर मारना चाहता था, ताकि वो कत्ल नहीं एक्सीडेंट लगे, किसी को शक ना हो और रायजादा पर आपका एतबार बना रहे। और वो दूसरा कौन है? माँ जी, जिनकी मांग का सिंदूर खुद पति ने छीनना चाहा, फिर भी वो चाहती हैं कि उनका पति सलामत रहे। सर, अगर किसी मजबूरी की वजह से जमाने के सामने आप उन्हें पत्नी नहीं मान सकते, तो एक बार तनाई में तो पहचान लीजिए। उनसे पूछो कि अगर वो इतनी ही पतिव्रता हैं, तो गीता का जन्म मार्च में कैसे हुआ? ये किसने कहा आपसे? रायजादा ने?
मेरे सामने तो कहे जरा जबान खींचूंगा उसकी। सर, गीता की पैदाइश मई की है, झिरनिया वाले बता सकते हैं आपको। मैं आपको उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा सकता हूँ, अभी लाया। ठहरो, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे तुम पर भरोसा हो चला है। तो आपने मान लिया सर, आपने मान लिया कि गीता आपकी बेटी है? लेकिन ये कैसे मान लूं कि रायजादा मुझे तबाह करना चाहते हैं? वो जानते हैं कि मेरी बर्बादी में खुद उनकी बर्बादी है। सर, उस कत्ल की वजह से जिसका जिक्र मैंने छुप के कैलिम्पोंग होटल में सुना था। मुझसे मत छुपाइए सर, हर हालत में मैं आपका साथ दूंगा। माँ जी की कसम, अगर भला ना कर सका तो बुरा भी नहीं करूंगा। हैरान कि मेरे भले की चिंता सुने से ज्यादा तुम्हें क्यों है? कल वो भी होटल में मौजूद था, लेकिन मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान पर खेले। आपके लिए मेरी जान जाए तो जन्म सार्थक हो जाएगा मेरा। क्या मतलब? ये जन्म आपसे मिला है। हा? मैं हूं आपका बेटा सुमेर। तुम सुमेर हो? तो फिर वो कौन? वो मेरा दोस्त पंचम है। आपको विक्टर समझकर मैं यहां अरोरा बना ताकि आपके करीब रह सकूं। फिर पंचम का सुमेर बना के माची को बुलाया ताकि वो विक्टर को पहचान सके। यू रोग बिल्कुल बचपन जैसा शरीर है। अरे तकदीर, मुझे ऐसे बेटे से जुदा रखा। तेरा शेर जैसा बेटा है। आज मैं तुझे सब बता देता हूँ। डार्लिंग, हेलो डार्लिंग। मॉर्निंग सर। देखो लतिका, बार बार तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज अच्छा नहीं लगता। कल तक तो अच्छा लगता था, आज सुबह सुबह इन्होंने क्या जादू कर दिया। खन्ना, तुम कैसे आई? आपको कुछ दिखाना है सर। क्या? कल रात 2 बजे यहाँ कोई आया था? कल रात 2 बजे कोई आया था? सर, कल रात मैंने आने जाने वालों की तस्वीरें खींची, इसे देखिए। माजी, खन्ना, यू कैन गो। राइट सर। कल रात इन्हें तुम लाए थे? जी नहीं, ये खुद आई होंगी। जब से इन्हें पता चला कि आपकी हालत ठीक नहीं, आपको देखने के लिए बेचैन ही थी। तो कल सारी रात मेरी सेवा ये करती रही और मैं नींद बेहोशी में लतिका समझा। मैं दर से तड़प रहा था, मेरा सर फैला के सुला दिया मुझे। तो ये आपके लिए मुझसे बढ़ के हो गई? क्या लगती है आपकी? बहुत जल्द जान लो, तुम ही नहीं सारा जमाना जान लेगा कि ये कौन है और क्या है। पहले मैं जरा रायजादा जी से बात कर। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके माँ जी की चिंता में जाऊँ। एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग अंक। अरे आओ आओ टीना बेटी। रूट देखिए ना, ये 6 फुट आपने आपको समझता क्या है? कैसे हैं आप? ठीक हूँ। हुजूर उसका था मुंह मुझे पहना चाहिए, फिर भी मैंने उसकी तरफ देखा और मुंह फिराकर चला गया। ब्रूट, पक्का ब्रूट। और जानती है, उस छिपकली से भी कह दिया कि कुछ ही दिनों में दुनिया जान जाएगी कि माँ जी उनकी क्या लगती है। माँ, माँ सुना तुमने? लगता है मेरी दवा ने असर किया है। या? अरे इसमें तो 2 खुराक है, कल रात तो 1 ही बची थी। जरा देखिए तो डॉक्टर साहब। ये तो मेरी दी हुई दवा नहीं लगती, जरूर इसमें कुछ मिलाया गया है। तेज जहर? ओह माय गॉड, तेज जहर तो नहीं? ओह नो डॉक, माय अंकल इज अ वेरी गुडी गुडी बॉय, इनका दुश्मन कोई नहीं हो सकता। मैं अभी नीचे क्लिनिक में जाकर इसका केमिकल एनालिसिस करवाता हूँ, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा इसमें क्या मिला है। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। भाई साहब, अगर इस दवा में जहर मिला है तो अरोड़ा की बात साबित हो जाएगी कि दुश्मन किसी खास मकसद के लिए बेटे के साथ मुझे भी खत्म कर देना चाहता है। बेटे के साथ? कौन बेटा? अरोड़ा, मेरा बेटा। दरअसल वो सुमेर है, उसने मुझे यकीन दिला दिया है। सच्ची अंकल, आपकी लाइफ स्टोरी का ये ट्विस्ट तो मैं नहीं चाहती थी, लेकिन जिस दिन माजी ने आपको जी करके बोला मैं सब कुछ समझ गई। टीना, बहुत तो गया। अरोड़ा साहब तुम्हारा दिल जीतने के लिए बेटे बन गए ताकि तुम्हारे दिल का हाल मालूम कर सके। भाई मानना पड़ेगा, बहुत ही चालाक सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर सुमेश,
कभी सुमेर, कभी अरोरा, कभी प्रिंस, भगवान जाने उसका असली नाम क्या है। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि उसने टीना से कहा है कि वो CBI ऑफिसर है। डैडी, मैंने आपको कसम दी थी ना कि किसी को मत बताना। टीना, उसने तुमसे कहा था? मगर अंकल, तब वो बोले थे कि वो यहाँ किसी कातिल की तलाश में आए हैं। सुन लिया गिरधारी लाल, वो किस मकसद के लिए यहाँ आया था? अरे अब तो समझो उसकी चालाकियाँ। रायजादा साहब, कल रात मैं यहाँ नहीं थी और आप सो रहे थे, तो मिसेस सिंह चोरी चोरी यहाँ आई थी। गुड गॉड, एक्सक्यूज मी लतिका जी, मुझे इनसे कुछ प्राइवेट बात करनी है, आप लोग जा सकते हैं। कम ऑन आओ। जिंदगी भी ये क्या खेल खेल रही है मेरे साथ, हर एक बार टूटता जा रहा है। हमारे बरसों के भाईचारे पर अगर तुम्हें एतबार नहीं तो कम से कम अपनी अकल पर तो एतबार होना चाहिए। कल अरोरा मुझसे पूछ रहा था कि रणबीर सिंह के नाम पर जो कत्ल दर्ज है वो किसने किया है। मेरा ख्याल है यही सवाल उसने तुमसे भी किया होगा। हाँ, मुझसे भी पूछा था कि किसका कत्ल हुआ है और उस कागज में क्या लिखा है। तो इसका मतलब यह है कि उस इकरारनामे का इल्म उसे है। हाँ। कल रात उसके मुखबिर यहाँ आई थी, कहाँ रखा है वो कागज? अरे भाई जाओ जाकर देखो वो अपनी जगह पर है भी कि नहीं। तो यहां से गायब है। मारे गए हम दोनों, तुम्हारी बेवकूफी हमें तबाही तक पहुंचा के रहे। लेकिन निर्मला उस CBI वाले के साथ मिलकर मेरी तबाही क्यों चाहेगी? इसलिए कि निर्मला उस CBI वाले के साथ मिलकर तुम तक पहुंची है, अब वो बदले पर उतर आई। सर, कुमार को नौकरी से निकाल दो और अरोड़ा को होटल के बाहर फेंकवा दो। और सुनो, मेरे सॉलिसिटर को अभी यहां बुला लो। अभी सर? यस, फौरन। ओके सर। दीजिए वकील साहब, इस वसीयतनामे को आप अपने पास संभाल कर रखिएगा। आप फिक्र मत कीजिए, इसे सेफ में रखा जाएगा। तनेजा साहब को नीचे तक पहुंचा। राइट सर। आइए मिस्टर मटवानी। लतिका, आज से मेरी सारी जायदाद की बारिश तुमको। अगर ये होटल नीलाम ना हुआ तो मेरे मरने के बाद इसकी मालिक तुम होगी। ऐसा मत कहो डार्लिंग, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। साहब आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें होटल छोड़ने के लिए किस लिए कहा गया है? ताकि आपने जिसे बाप बनाया है उसके नाम वारंट लेकर लौट सके। आप राय दादा के बहकावे में फिर से आ गए, तो अब आपको क्या फर्क पड़ेगा? कत्ल के जिस इकरारनामे की आपको जरूरत थी वही औरत ले जा चुकी। कत्ल? किसका कत्ल? दिया नहीं आपको? मैं कोई इकरारनामा नहीं लेकर गई थी। जानता था ये आपसे भी 420 करेगी। ये कागज आपको तब देगी जब मेरी मौत की खबर सुनेगी। ये आरोप लगना था मुझ पर, इससे पहले मुझे मौत क्यों आ गई? अब तो पतिव्रता का नाटक छोड़ दो देवी। परसों पहले तुमने मेरे विश्वास को डसा और कल रात को चोरी चोरी मुझे जहर देने आई थी। क्या हो गया आपको? ये आपको जहर देंगी? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। आज ही कहाँ जाऊंगी? माँ सुनो तो। अब क्या सुनना बाकी रह गया है? मुझे जाने दो। वाह वाह वाह, ये माँ बेटे होने का ढोंग आप लोग खूब रचा लेते हैं। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि हमें आपकी हकीकत का पता चल गया है CBI वाले साहब। CBI वाला? मैं? जी। ओ, अब समझा। तो टीना के जरिए आपने इन्हें यकीन दिलाया। कुंडे भी अपने बच्चों को कुंडागर्दी से दूर रखते हैं, लेकिन अपनी बेटी को इस्तेमाल करने वाला बाप मैंने सिर्फ आपको पाया। बदतमीज! मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि बूढ़ी हड्डियां टूट के मुश्किल से टूटती है। हाथ हटाइए। मुंह मत फेरिए पिताजी, आपका बेटा हूं मैं। खामोश! मुझे जज्बात में जकड़ने की बजाय मेरे हाथों में हथकड़ी जकड़ दो तो इतनी तकलीफ ना होगी। फिर मुझे पिताजी कहा तो मैं जबान खींच लूंगा। आखिरी सांस तक जबान यही कहेगी कि आप मेरे पिता। गेट आउट! आई से गेट आउट! कितना ही ठुकरा लीजिए, मैं आपका दर नहीं छोड़ूंगा। अब मैं क्या करता हूं आप देखिएगा।
और आप भी। ये तो मिस्टर अरोरा है। वो आ रहा है सामने। ओ, मिस्टर अरोरा उर्फ सुमेध सिंह। यस, आपके नाम वारंट है। क्या किया है मैंने? पेशी पर अदालत में हाजिर नहीं थे। क्या मतलब? गांव में पंडित के साथ जो मारपीट की थी, भूल गए? ओह, इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दिन की मोहलत और दीजिए। अब तो एक पल की भी मोहलत नहीं मिल सकती। चलो। देखिए, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सीधी तरह चलते हो या हथकड़ी पहनाओ? क्या ये सच है? ये रणबीर सिंह का बेटा सुमेर सिंह है? आर यू श्योर? जी। आप ऐसा कीजिए कि आप होटल के बाहर ठहरिए, मैं सुमेर को ढूंढ के आपके हवाले कर देता हूँ। हम और चांस नहीं ले सकते, खुद ढूंढेंगे। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, हरगिज नहीं दूंगा। सुना आपने? तो हम मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट ले आएंगे, थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि हमें कौन रोकता है। सर, अपने सारे स्टाफ से कह दो कि सुमेर जहां भी हो उसे मेरे पास लेके आए। राइट सर। खन्ना, पुलिस के आने से पहले मुझे सुमेर से मिलना है। वो मेरा जिम्मा सर, आप फिक्र मत कीजिए। साहब कमरे में नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ डार्लिंग। डैडी बहुत नाराज है, बहुत कुछ बताना है तुम्हें। रात को 11 बजे बेसमेंट में मिलो। तुम्हारी टीना? ये क्या कह रहे हो? जो प्लान हमने सोचा है बहुत सेफ है। आइए मैं आपको पूरा प्लान समझा। तो गया गिरधारी लाल को पता चल गया है कि वो उन्हीं का लड़का है। जी हाँ, और इससे पहले कि वो अपनी वसीयत और किसी के नाम पे करते हैं, उन्हें अभी आज ही। डरिए मत, खन्ना ने एक बहुत ही फुल प्रूफ प्लान बनाया है। हम पे किसी पे इल्जाम नहीं आएगा। कत्ल सिवरी के वेयर हाउस में होगा और गिरधारी लाल जी वहां पर खुद आए और वहां से लाश हम समुंदर पर फेंक देंगे। मैं इस कत्ल में आपका साथ नहीं दे सकता। मुझे तो सिर्फ खत से मतलब है। And I'm paying for it. जब तक हमारा प्लान पूरा नहीं हो जाता, आपको हमारा साथ देना होगा। तब आपको खत मिलेगा। रायजादा हियर। मैं अरोरा। मिसेस सिंह से इकरारनामा ले लिया मैंने। भागो मत। कहाँ छुपे हो तुम? अलाउद्दीन के चिराग में। इकरारनामा आपको दिखा सकता हूँ। आज ही सौदा कीजिए वरना ये पुलिस तक पहुंच जाएगा। ठीक, 20 मिनट के बाद मुझे फोन कर। आपकी इस खतरनाक साजिश में शामिल होने से पहले वो इकरारनामा मैं एक दफा देखना चाहूंगा। दिखा दो, मैं तुम्हारे साथ। आइए मेरे साथ। दूर से हजूर, कहीं खत फट गया तो हमारे हाथ से 50 लाख रुपए चले जाएंगे। अरे भाई देख तो लूं,
ये असली है या नहीं? दूर से हजूर, दूर से। आधा बार से चकमा कामयाब रहा? बिल्कुल। बन चुका है, जल्दी कर, हमें पहली गाड़ी से लौटना है। सुमेर कहाँ है? उसे भी मैं अपने साथ गांव ले जा रही हूँ। क्या कहीं और भिजवाने का इरादा है? चोरी और जहर के आरोप से जी नहीं भरा, अब जेल भिजवाना है? चाहते हो तो ये अरमान भी पूरा कर लो। बस इतनी जल्दी घबरा गए? तुम्हारी खातिर हमने दुनिया भर के ताने सुने, कंध खेली। कभी भी सोचा कि हमारे दिल पे क्या गुजरी होगी? कलेजा छन्नी हो चुका है, अब और जमाने की नफरत नहीं सही जाती। पिताजी, हमें मुक्ति दिलाइए। अगर आप हमें नहीं अपना सकते तो अपने हाथों से हमारा गला घोट दीजिए। मार डालिए हमें, खत्म कर दीजिए हमें। कैसी तबीयत है? कुछ नहीं, ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। सुमेर यहाँ आया था? जी जी नहीं, उसे तो मैंने आप ही के पास छोड़ा था। वो क्या बात है पिताजी? कोई बात नहीं, तुम लोग यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ है? चलो सर। सर वो बोले कि शाम को डिस्को क्लब में आपसे मिलेंगे। डिस्को में शाम को? क्यों? चारों तरफ पुलिस है ना, इसलिए वो बोले कि वो भेस बदल के आपसे मिलेंगे।
कोई कागज देना चाहते थे आपको? Bye.
कौन हो तुम? मुझे यहाँ पिताजी लाल। गुड इवनिंग सर। गेट इन। आपका भारी नौकर। चलो आउट। ये लीजिए, चलाइए इन पर गोली। इन पर गोली? लेकिन मैं क्यों चलाऊं? ये मुबारक काम आप ही के हाथों से होना चाहिए ना। मेरे हाथों से? इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है? नामुमकिन। मैं अपने हाथ खून से रंगना नहीं चाहता। वो तो पहले से रंगे हुए हैं रायजादा साहब। लेकिन मैं गिरधारी लाल का खून क्यों करूं? पहले खून से बचने के लिए एक खून और सही। नहीं, ये मुझे नहीं होगा। भाई साहब चलाइए मुझ पर गोली। गिरधारी लाल, मैंने आपके कहने से अपना घर बार बर्बाद कर दिया। क्या मेरे कहने से आप मुझ पर गोली भी नहीं चलाएंगे? प्लीज चलाइए ना खन्ना। रायजादा साहब गोली चलाएंगे बशर्ते कि तुम मेरी बेटी और पत्नी को रहा करो। प्लीज भाई साहब। वाह गिरधारी लाल वाह, परसों तो इनसे दूर दूर भाग कर रहे, आज फिर इन्हें दगा देना चाहते हो? भैया तो हमेशा आप ही के साथ रहना चाहेंगे ना क्यों माँ जी? भाई इन बिछड़ों को हमेशा के लिए मिला दीजिए, वरना मुझे अपने हाथ आपके खून से रखना। मैं सिर्फ तीन नहीं। वो चारों यहाँ हैं और मुझे उन चारों की लाशें चाहिए अभी इसी वक्त। कौन फाइंड देम?
आओ मेरे साथ। रायसादा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये खून मैंने ही किया था, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैंने ही रणबीर भाई को आपके खिलाफ किया था। बिटिया, आज से ये हमेशा के लिए तुम्हारे इनका ख्याल रखना। रणबीर, इसे अपनी बेटी ही समझना। मुझे माफ कर दो रणबीर, मुझे माफ कर दो। डैडी, डैडी।